तू क्या समझती है कि तूने रवि को मुझसे छीन लिया? तू क्या समझती है कि रवि अब मुझसे नहीं तुझसे प्यार करता? हेलो फ्रेंड्स, तो थंबनेल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम कौन सी मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं। या दोस्तों आपको बता दें, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईना फिल्म के बारे में। दोस्तों ये फिल्म कौन सी और आपको कहां पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आईना फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी को पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और इस फिल्म को कितने बजट में बनाया गया था इसके बारे में हम बात करेंगे, और ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई की थी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि ये फिल्म आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बगैर देरी के आज की मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं आईना फिल्म के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। दोस्तों बात कर ले मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो इस फिल्म को 18 जून सन 1993 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला था। दोस्तों इसी के साथ हम बात कर ले फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। तो फिल्म में जैकी श्रॉफ, जूही चावला, अमृता सिंह फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई थी और इन तीनों को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इस फिल्म में काम करने के बाद, क्योंकि दोस्तों फिल्म की कहानी दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म ने सन 1993 में 138 मिलियन से अधिक की कमाई किया था और ये फिल्म साल की सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म बन गया था। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आईना फिल्म के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म को दीपक सरीन सर ने डायरेक्ट किया है और इसी के साथ दोस्तों बात कर ले फिल्म के राइटर के बारे में। तो होनी ईरानी सर ने फिल्म की कहानी को लिखे थे और बात कर ले फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो यश चोपड़ा एंड पमेला चोपड़ा ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए थे, जो फिल्म को 18 जून 1993 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को यशराज मूवीज के बैनर के तहत बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों फिल्म में जैकी श्रॉफ रवि सक्सेना के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं। अमृता सिंह के बारे में हम बात कर ले तो रोमा माथुर के रूप में फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई है। जूही चावला फिल्म में रीमा माथुर के रूप में फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई है। इसी के साथ दोस्तों सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में दीपक तिजोरी भी अभिनय किए हैं। विनय सक्सेना के रूप में आप इनको इस फिल्म में देख सकते हैं। सईद जाफरी फिल्म में अभिनय के मिस्टर माथुर के रूप में, दीना पाठक फिल्म में अभिनय किए हैं, माया आलोक फिल्म में दिखाई दिए हैं, राजेश कट्टर फिल्म में दिखाई दिए, साथ ही साथ विकास आनंद इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इन सभी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को आप आसानी से देख सकते हो यूट्यूब पर, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो। दोस्तों आईना फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस को एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ मूवी से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे और ये मूवी आपको कहां पे देखने को मिलेगा इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्लीज दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें आईना फिल्म सरीना धारा निर्देशित की गई साल 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसका निर्माण यश चोपड़ा और उनकी पत्नी पमेला चोपड़ा ने किया है। इसमें जैकी श्रॉफ, जूही चावला और अमृता सिंह के साथ दीपक तिजोरी सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म भारत में एक ब्लॉक हिट थी और 1990 के दशक में एक प्रमुख महिला के रूप में चावला के करियर को मजबूत किया था। इसके अलावा बता दोस्तों फिल्म जो है नकारात्मक भूमिकाओं में सिंह के प्रदर्शन की अत्यधिक सराहना की गई थी और इसे उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक मानी जाती है। दोस्तों बात कर ले इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के बारे में, तो अया नकी इडारो के रूप में इस फिल्म को रिलीज किया गया था कन्नौट में। येरेनी अभी मानी के रूप में फिल्म को रिलीज किया गया था, जो 2000 के रूप में रीमेक किए गए थे मूवी को। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दे एक धनी व्यवसायी राजनीश माथुर की दो बेटियां हैं, जहां पे रोमा बड़ी बेटी है और प्रति सफारदी है और हमेशा खराब रहती है सुंदर और शर्मीली। रीमा काफी सहमित है और आमतौर पर रोमा को मुर्खियों में आने देती है और दोनों बड़े होकर पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। और आपको बता दें रवि सक्सेना के प्यार में दोनों पड़ जाते हैं, हमेशा ध्यान का केंद्र रोमा सबसे पहले उसकी नजर में आती है, जहाँ पे रीमा का दिल टूट गया है। और इसके अलावा आपको बता दें लेकिन वह एक बहादुर चेहरा वाली
लड़की है। इसके अलावा आपको बता दे, रवि और रोमा की शादी तय हो गई है। दुर्भाग्य से रोमा एक फिल्म में अभिनय करने के लिए महत्वाकांक्षी है और उसे शादी के दिन एक प्रस्ताव मिलता है। वह रवि को उनकी शादी से पहले स्वीकार करती है और उसे छोड़ देती है, लेकिन क्रोधित होकर वह माथुर के सम्मान को बचाने के लिए रीमा से शादी कर लेता है। सबसे पहले वह काफ़ी असहज है, लेकिन रवि को अंत तक रीमा से प्यार हो जाता है। रोमा गुस्से में घर लौटती है और उसे बताती है कि वह कभी खुश नहीं होगी क्योंकि उसे धोखा दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बता दें, रवि को वापस पाने के लिए कृंति संकल्प करती है और बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन रोमा रीमा के जीवन को बर्बाद करने सहित कुछ भी करने को तैयार है। वह बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करती है दोनों के बीच में, जैसे कि आत्महत्या का नाटक करना आदि। अंत में रीमा हार मान लेती है और अपना घर छोड़ देती है। रवि गुस्से में रोमा को समझाता है और उसके और रीमा में क्या अंतर है इसके बारे में बतलाता है। रोमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रवि और रीमा को फिर से मिला देती है, और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी को समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आईना फिल्म को और मूवी से जुड़े काफ़ी अनोन फैक्ट को बता रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें फ्रेंड्स, आईना फिल्म को दीपक सरीन सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि फिल्म की कहानी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी। फिल्म की कहानी होनी ईरानी सर ने लिखे थे और फिल्म के प्रोड्यूसर यश चोपड़ा एंड पमेला चोपड़ा ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए थे। मुख्य स्टार का किशोरभ, जूही चावला, अमृता सिंह फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे और दोनों बहनों के रूप में इस फिल्म में अभिनय की थी। अमृता सिंह राहुल रोमा माथुर के रूप में फिल्म में अभिनय की थी। जूही चावला रीमा माथुर के रूप में फिल्म में अभिनय की थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको बता दें, दोनों ही जैकी श्रॉफ से प्यार करते हैं, लेकिन रोमा माथुर से शादी नहीं कर पाता है। जैकी श्रॉफ और रीमा माथुर से शादी हो जाती है। इसी बीच जो है, रोमा माथुर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने प्यार का बदला लेना चाहती है और फिल्म की कहानी इसी तरह सीरियस हो जाता है। यहाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। साथ फ्रेंड, आपको बता दें, इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस के मुताबिक इस फिल्म ने 1993 में 138 मिलियन से अधिक की कमाई किया था और इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया है। यहाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जैकी श्रॉफ के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है, और इनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप जैकी श्रॉफ के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं जैकी श्रॉफ के बारे में। तो दोस्तों, जैकी श्रॉफ ने 11वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनके परिवार के पास ज़्यादा पैसा नहीं थे। उन्होंने ताज होटल में एक प्रशिक्षक के रूप में काम करना स्टार्ट किया था। इंडिया में एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं। इस तरह के काम करने के बाद योग्यता की कमी के कारण उन्हें दोनों जगहों से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद आपको बता दें, उन्होंने जहांगीर आर्ट के साथ गैलरी के पास ट्रेड विंस के साथ नामक एक स्थानीय कंपनी में ट्रेवल एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया। एक विज्ञापन एजेंसी के अकाउंटेंट के रूप में उनको रखा गया था, जहां पे बॉस स्टैंड पर देखा गया था और उन्हें पूछा कि क्या उन्हें मॉडलिंग में दिलचस्पी होगी। अगले दिन श्रॉफ दोपहर के भोजन के समय फोटोशूट करने के लिए पहुँच चुके थे। इसके अलावा आपको बता दें, कॉलेज के समान भवन में स्थित विज्ञापन के साथ एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञापन एजेंसी में गए थे, जहां पे शूट शॉट के लिए। इसी फोटो शूट ने श्रॉफ को उनके मॉडलिंग पर बहुत ज़्यादा यानी कि अधिक जो है ध्यान आकर्षित किए थे। जो साल 1982 में श्रॉफ ने देव आनंद की फिल्म स्वामी दादा में अभिनय की शुरुआत कर दी। साल 1983 में सुभाष घाई ने उन्हें मीनाक्षी सेसेदरी के साथ जोड़ी गई फिल्म हीरो के लिए मुख्य भूमिका में कास्ट किया। फिल्म सफल रही, लेकिन उन्होंने सुभाष घाई की फिल्मों में काम करना जारी रखा। चाहे किसी भी भूमिका की पेशकश उनको क्यों ना की जाए, वो हमेशा तैयार रहते थे। हीरो फिल्म के बाद उन्होंने कई अन्य फिल्मों की, जैसे कि आपको बता दें, अंदर बाहर, जानू और युद्ध सफल रहे थे। उसी के साथ 1986 में उन्होंने कर्मा फिल्म में अभिनय किया और ये फिल्म भी साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। बता दें फ्रेंड्स, कर्मा मूवी साल 1986 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उनकी अगली रिलीज मूवी होने वाली फिल्म काश थी। बाद में दहलीज के बारे में हम बात कर ले तो सच्चे का बोलबाला जैसी फिल्मों को समीक्षकों द्वारा सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। लेकिन उन्होंने राम लखन फिल्म में फिर से अभिनय किया, त्रिदेव मूवी में और परिंदा जैसी फिल्मों के माध्यम से सफलता हासिल की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। 90 के दशक में वह सौदागर फिल्म के साथ काम करना चाहते थे। सौदागर, अंगार और सपने साजन के गर्टिस के साथ जो खलनायक के रूप में काम किया। जो साल 1942 में ए लव स्टोरी रंगीला और अग्निसाक्षी मूवी में इन्होंने काम किया था। अग्निसाक्षी, बॉर्डर और शपथ फिल्म जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। शपथ फिल्म में
जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ अभिनय किया था और सफल फिल्म सफल रही थी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बतला दें, साल 2006 में श्रॉफ ने बच्चों की फिल्म भूत अंकल में अभिनय किया। 2010 में हुआ फिल्म भूत एंड आपको बता दें फ्रेंड्स में दिखाई दिए थे। 2011 में उन्होंने गुरु भाई ठक्कर धारा निर्देशित की गई फिल्म श्रद्धा इन द नेम ऑफ गॉड में एक कैमियो भूमिका भी निभाई है। 2017 में श्रॉफ ने कोकीन में अपनी शुरुआत की फिल्म शोल करी में अभिनय किया था, जिसने उन्हें एक पुरस्कार भी दिलाया था। इसके बाद उन्हें 2019 में रिलीज होने वाली एक और कोकनी फिल्म में देखा गया था और इन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया है जिसका शीर्षक कंतार रखे गए थे। अक्टूबर 2018 में उन्होंने एक लघु फिल्म में काम किया जहां प्ले बॉय की किरदार फिल्म में निभाए थे। मिस्टर सहानी में अभिनय किया था और उन्हें पल्टन में भी देखा गया था। उन्हें 2019 में फिर जो है भरत साहो और रोमियो अकबर में देखा गया था। रोमियो अकबर वाल्टर जैसी कई फिल्मों में काम करना इन्होंने जारी रखा है और वह प्रार्थना में भी अभिनय करने जा रहे हैं, जो अली फजल के साथ और संजय दत्त के साथ इसी नाम की तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक होने जा रही है। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। इसी के साथ चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अमृता सिंह के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। अमृता सिंह ने 1983 में बेताब मूवी के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। वह एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसमें उन्हें सनी देओल के साथ जोड़ा गया था। बात दोस्तों आपको बतला दें, अमृता को फिर से अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया था। मर्द फिल्म में इन्होंने काम किया 1985 में, जो सबसे बड़ी हिट मूवी थी, और साहे फिल्म 1985 में ही रिलीज हुई थी। चमेली की शादी और नाम दोनों ही रिलीज हुए थे। साल 1986 में खुद गर्ज फिल्म रिलीज हुआ था और 1987 में काफ़ी अच्छे फिल्म रिलीज हुए थे। अमृता सिंह ने केवल सनी देओल, संजय दत्त और राज बब्बर के साथ बल्कि जितेंद्र, विनोद खन्ना और अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ 1980 के दशक के कुछ प्रमुख अभिनेताओं के साथ कई फिल्मों में एक सफल जोड़ी बनाई। प्रमुख भूमिका निभाने के साथ साथ उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म 1992 में अभिनय किया, सूर्यवंशी फिल्म 1992 में और आईना फिल्म 1993 में इन्होंने अभिनय किया। इन जैसे फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाई थी। बात के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। साहेब और चमेली की शादी जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने पारिवारिक जीवन में आपको बतला दें संन्यास लेने का फैसला किया और रंग फिल्म 1993 में अपनी उपस्थिति के बाद अभिनय करना छोड़ दिया। इसके अलावा साल 2002 में 23 मार्च 1931 को शहीद के साथ अभिनय में वापसी की थी, जिसमें उन्होंने भगत सिंह, बॉबी देओल द्वारा अभिनीत की मां की भूमिका निभाई। और 2005 में स्टार प्लस पर प्रसारित की गई एकता कपूर के पारिवारिक नाटक जो है काव्यांजलि के साथ टेलीविजन उद्योग में शामिल हुई, जो शो में सिंह को एक नकारात्मक भूमिका में देखा गया था, जिसने जल्द ही अपार और लोकप्रियता हासिल कर ली। उस वर्ष बाद में उन्होंने फिल्म जो है कलयुग के लिए एक और नकारात्मक भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की, जो 2007 में सिंह ने अपूर्व और लाखिया धारा निर्देशित की गई संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट के साथ हुए लोखंडवाला में गैंगस्टर माया डोलासी की मां रत्ना प्रभा में दिखाई दी थी, जहां पे डोलास की भूमिका निभाई इन्होंने। विवेक ओबरॉय के साथ इन्होंने माया डोलास की भूमिका निभाई। बाद में वह एंथोलॉजी फिल्म जो है 10 कहानियां में दिखाई दी, जहां वह लघु कहानी और इसके अलावा पूर्णमासी में दिखाई दी थी। अपने अभिनय की यात्रा को जारी रखते हुए जरारे मूवी के साथ साथ 2010 में इनको फिर से देखा गया और यासरज फिल्म के बैनर के तहत औरंगजेब फिल्म 2012 में भी देखा गया, जहां उन्हें लगभग 2 दशकों के बाद जैकी श्रॉफ के साथ जोड़ा गया था। और आईना फिल्म में एक साथ जोड़ी बनाने के बाद 2014 में उन्हें धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित की गई दो स्टेट में सह अभिनेता अर्जुन कपूर की मां की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। ये फिल्म 18 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई थी और ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मूवी थी और सिंह को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहां फ्रेंड्स आपने सही सुना। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, साल 2014 को रिलीज हुई थी और ये मूवी एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मूवी थी। अमृता सिंह को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। 2016 में वह फ्लाइंग जाट में टाइगर श्रॉफ के साथ फ्लाइंग जेट फिल्म में टाइगर श्रॉफ की मां की भूमिका में देखा गया था इनको और इन्होंने फ्लाइंग जेट मूवी में अभिनय की, जो 2017 में वह कॉमेडी ड्रामा हिंदी मीडियम फिल्म में एक स्कूल प्रिंसिपल के रूप में दिखाई दी, जो 2019 में वह सुजय घोष की बदला लेने वाले में दिखाई दी, जहां पे 18 साल में पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और बदला को अत्यधिक जो है सकारात्मक समीक्षा मिली और सिंह के प्रदर्शन को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई और सिंह के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया था। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना।
आईना मूवी इज अ 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय दीपक स्क्रीन एंड प्रोड्यूसर बाय द यश चोपड़ा एंड हिज वाइफ पमेला चोपड़ा। इट इज द जैकी श्रॉफ जूही चावला एंड अमृता सिंह विद बी दीपक तिजोरी एंड सपोर्टिंग रोल द फिल्म इन द ब्लॉकबस्टर हिट द इंडिया एंड सॉलिड द जूही चावला करेक्ट द लीडिंग लेडी इन द 1990s द सिंग एंड परफॉर्मेंस द नेगेटिव रोल वॉज द हाईली एंड अप्रोचेड एंड द रिगार्ड वन ऑफ द करियर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द मूवी द आईना। फिल्म हिस्टोरी इज द राजनेश माथुर ऑफ एंड द वेल्थी एंड बिजनेस मैन हैज द टू डॉटर एंड रोमा द एल्डर वन ऑफ द वेरी एंड कॉम्पिटिव एंड द ऑलवेज बीन द एन स्पोशल लाइट द ब्यूटिफुल एंड द सी द रीमा इज द क्विट एंड रिसोर्व एंड द यूज लिप लेट द रोमा टेक द एंड स्पोर्टली द इन बर्ड ग्रो ऑफ द मूवी एंड एंटायरली द डिफरेंट एंड फेल इन लव विद द रवि सक्सेना ऑलवेज द इन कंट्रोल ऑफ द इन अटेंशन रोमा द एन कैच हिट द एन इजी द एंड फर्स्ट रीमा हिट द इन हार्ट ब्रोकन बट द पोस्ट एंड द ब्रेव द फेसेस रवि एंड रोमा हिट द वेडिंग हिट द एंड फिक्सेड द अंड अनफॉर्चुनेटली इन रोमा इज द एन अम्बिशन टू बी ए स्टार इन फिल्म द एन गेस्ट ऑन द ऑफर वन द मैरिज डे द एन सी एक्सेप्ट एंड द लीव एंड रवि द एंड बिफोर थियर द एन वेडिंग द फोर्सेज द एन मैरिज रीमा To save hit the honor of the Mathur at the first day and read the quit in the uncomfortable but the Ravi eventually falls in love with Dirima in Roba the return home hit the end rag hit the end tells him the entry the never too happy she hit the bin the end battery or determined to be in Ravi back the Roma and willing to be in anything the including the running the and Roma hit the life see the end created the end a true broken like the end participate the committee the end Suicide etc hit the end Rima the gift and the livers here the end house the Ravi and the furiously the makes Roma the understand with the end different is the between here the Rima and Roma the realize here the end mistake and the run here the Ravi and Roma in the movie। चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं आईना फिल्म की कहानी के बारे में। आईना फिल्म दीपक सरीन धारा निर्देशित की गई। आपको बता दें 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा और उनकी पत्नी पमेला चोपड़ा ने किया है। इसमें आपको बता दें जैकी श्रॉफ जूही चावला और अमृता सिंह के साथ दीपक तिजोरी सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म भारत में एक ब्लॉकबस्टर हिट मूवी थी जो 1990 के दशक में एक प्रमुख महिला के रूप में चावला के करियर को मजबूती किया गया था। यहाँ पे नकारात्मक भूमिका में सिंह के प्रदर्शन की अत्यधिक सराहना की गई थी और इसे उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का तेलुगु में आया नकी के नाम से रिलीज किया गया था उस वक्त। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात कर ले कन्नड़ भाषा के बारे में तो इस फिल्म को येरेनी अभिमानी के रूप में रिलीज किया गया था 2000 के दशक में। इसके अलावा दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो एक धनी व्यवसायी रंजीश माथुर की दो बेटियां हैं। रोमा बड़ी बेटी है और इसके साथ जो प्रतिशवादी और हमेशा खराब रहती है। इसके विपरीत हम बात कर ले रीमा के बारे में तो काफी शर्मीली काफी सीमित है। आमतौर पर रोमा को सुर्खियों में आने के लिए दोनों बड़े होकर पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और रवि सक्सेना के प्यार में पड़ जाते हैं। हमेशा ध्यान का केंद्र रोमा सबसे पहले उसकी नजर में आती है। रीमा का दिल टूट गया है लेकिन वह एक बहादुर चेहरा रखती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें रवि और रोमा की शादी तय हो गई है। दुर्भाग्य से रोमा एक फिल्म में अभिनय करने के लिए महत्वाकांक्षी है और उसे शादी के दिन ही एक प्रस्ताव मिल जाता है। वह रवि को उनकी शादी से पहले स्वीकार करती है और उसे छोड़ देती है। क्रोधित होकर वह माथुर के सम्मान को बचाने के लिए रीमा से शादी कर लेता है। सबसे पहले वह काफ़ी असहज है लेकिन रवि को अंत तक रीमा से ही प्यार हो जाता है। रोमा गुस्से में आकर घर लौटती है और उन्हें बताती है कि वह कभी खुश नहीं होंगे क्योंकि उसे धोखा दिया गया है। रवि को वापस पाने के लिए क्रिंति शंक क्लब के साथ रोमा रीमा के जीवन को बर्बाद करने सहित कुछ भी कर सकती है इस फिल्म के अंदर और वह बहुत परेशानी भी पैदा करती है जैसे आत्महत्या का नाटक करना आदि। अंत में रीमा हार मान लेती है और अपना घर छोड़ देती है। रवि गुस्से में रोमा को समझाता है कि उसके और रीमा में क्या अंतराल है। रोमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रवि और रीमा को फिर से मिला देती है और फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है। या फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब
हम यहाँ से इस मूवीज के फैक्ट के बारे में जानते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को आप आसानी से देख सकते हो यूट्यूब पे, अगर आप इस मूवीज को देखना चाहते हो तो। दोस्तों आईना फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस को एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ मूवी से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे और ये मूवी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्लीज दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें आईना फिल्म सरीना धरान निर्देशित की गई साल 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसका निर्माण यश चोपड़ा और उनकी पत्नी पमेला चोपड़ा ने किया है। इसमें जैकी श्रॉफ, जूही चावला और अमृता सिंह के साथ दीपक तिजोरी सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म भारत में एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और 1990 के दशक में एक प्रमुख महिला के रूप में चावला के करियर को मजबूत किया था। इसके अलावा बता दोस्तों फिल्म जो है नकारात्मक भूमिकाओं में सिंह के प्रदर्शन की अत्यधिक सराहना की गई थी और इसे उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक मानी जाती है। दोस्तों बात कर ले इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के बारे में, तो अया नकी इडारो के रूप में इस फिल्म को रिलीज किया गया था कन्नड़ में। येरेनी अभी मानी के रूप में फिल्म को रिलीज किया गया था, जो 2000 के रूप में रीमेक किए गए थे मूवी को। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दे ये एक धनी व्यवसायी राजनीश माथुर की दो बेटियां है, जहां पे रोमा बड़ी बेटी है और प्रति सफारदी है और हमेशा खराब रहती है। सुंदर और शर्मिली रीमा काफी संयमित है और आमतौर पर रोमा को मुर्खियों में आने देती है और दोनों बड़े होकर पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। और आपको बता दे रवि सक्सेना के प्यार में दोनों पड़ जाते हैं। हमेशा ध्यान का केंद्र रोमा सबसे पहले उसकी नजर में आती है, जहाँ पे रीमा का दिल टूट गया है। और इसके अलावा आपको बता दे लेकिन वह एक बहादुर चेहरा वाली लड़की है। इसके अलावा आपको बता दे रवि और रोमा की शादी तय हो गई है। दुर्भाग्य से रोमा एक फिल्म में अभिनय करने के लिए महत्वाकांक्षी है और उसे शादी के दिन एक प्रस्ताव मिलता है। वह रवि को उनकी शादी से पहले स्वीकार करती है और उसे छोड़ देती है, लेकिन क्रोधित होकर वह माथुर के सम्मान को बचाने के लिए रीमा से शादी कर लेता है। सबसे पहले वह काफी असहज है, लेकिन रवि को अंत तक रीमा से प्यार हो जाता है। रोमा गुस्से में घर लौटती है और उसे बताती है कि वह कभी खुश नहीं होगी क्योंकि उसे धोखा दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें रवि को वापस पाने के लिए कृति संकलन करती है और बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन रोमा रीमा के जीवन को बर्बाद करने सहित कुछ भी करने को तैयार है। वह बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करती है दोनों के बीच में, जैसे कि आत्महत्या का नाटक करना आदि। अंत में रीमा हार मान लेती है और अपना घर छोड़ देती है। रवि गुस्से में रोमा को समझाता है और उसके और रीमा में क्या अंतर है इसके बारे में बतलाता है। रोमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रवि और रीमा को फिर से मिला देती है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी को समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आईना फिल्म को और मूवी से जुड़े काफी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें फ्रेंड्स आईना फिल्म को दीपक सरीन सर ने डायरेक्ट किया था, जो की फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई थी। फिल्म की कहानी होनी ईरानी सर ने लिखे थे और फिल्म के प्रोड्यूसर यश चोपड़ा एंड पमेला चोपड़ा ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए थे। मुख्य स्टार का जैकी श्रॉफ, जूही चावला, अमृता सिंह फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे और दोनों बहनों के रूप में इस फिल्म में अभिनय की थी। अमृता सिंह राहुल रोमा माथुर के रूप में फिल्म में अभिनय की थी, जूही चावला रीमा माथुर के रूप में फिल्म में अभिनय की थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको बता दे दोनों ही जैकी श्रॉफ से प्यार करते हैं, लेकिन रोमा माथुर से शादी नहीं कर पाता है। जैकी श्रॉफ और रीमा माथुर से शादी हो जाती है। इसी बीच जो है रोमा माथुर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने प्यार का बदला लेना चाहती है और फिल्म की कहानी इसी तरह सीरियस हो जाता है। फ्रेंड्स आपने सही सुना। साथ साथ फ्रेंड आपको बता दें इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस के मुताबिक इस फिल्म ने 1993 में 138 मिलियन से अधिक की कमाई किया था और इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया है। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जैकी श्रॉफ के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है और इनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें अगर आप जैकी श्रॉफ के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं जैकी श्रॉफ के बारे में। तो दोस्तों जैकी श्रॉफ ने 11वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनके परिवार के पास ज्यादा पैसा नहीं थे। उन्होंने ताज होटल में एक प्रशिक्षक के रूप में काम करना स्टार्ट किया था। इंडिया में एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं। इस तरह के काम करने के बाद योग्यता की कमी के कारण उन्हें दोनों जगहों से खारिज कर दिया गया था। इसके
बात आपको बता दें, उन्होंने जहांगीर आर्ट के साथ गैलरी के पास ट्रेड विंस के साथ नामक एक स्थानीय कंपनी में ट्रेवल एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया। एक विज्ञापन एजेंसी के अकाउंटेंट के रूप में उनको रखा गया था, जहाँ पे बॉस स्टैंड पर देखा गया था और उन्हें पूछा कि क्या उन्हें मॉडलिंग में दिलचस्पी होगी। अगले दिन श्रॉफ दोपहर के भोजन के समय फोटो शूट करने के लिए पहुंच चुके थे। इसके अलावा आपको बता दें, कॉलेज के समान भवन में स्थित विज्ञापन के साथ एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञापन एजेंसी में गए थे, जहां पे शूट शॉट के लिए इसी फोटो शूट ने श्रॉफ को उनके मॉडलिंग पर बहुत ज्यादा यानी कि अधिक जो है ध्यान आकर्षित किए थे। जो साल 1982 में श्रॉफ ने देव आनंद की फिल्म स्वामी दादा में अभिनय की शुरुआत कर दी। साल 1983 में सुभाष घाई ने उन्हें मीनाक्षी सेसेदरी के साथ जोड़ी गई फिल्म हीरो के लिए मुख्य भूमिका में कास्ट किया। फिल्म सफल रही, लेकिन उन्होंने सुभाष घाई की फिल्मों में काम करना जारी रखा। चाहे किसी भी भूमिका की पेशकश उनको क्यों न की जाए, वो हमेशा तैयार रहते थे। हीरो फिल्म के बाद उन्होंने कई अन्य फिल्मों की, जैसे कि आपको बता दें अंदर बाहर, जानू और युद्ध सफल रहे थे। उसी के साथ 1986 में उन्होंने कर्मा फिल्म में अभिनय किया और ये फिल्म भी साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। बता दें फ्रेंड्स, कर्मा मूवी साल 1986 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उनकी अगली रिलीज मूवी होने वाली फिल्म कास्ट थी। बाद में दहलीज के बारे में हम बात कर ले तो सच्चे का बोलबाला जैसी फिल्मों को समीक्षकों द्वारा सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे असफल रही। लेकिन उन्होंने राम लखन फिल्म में फिर से अभिनय किया, त्रिदेव मूवी में और परिंदा जैसी फिल्मों के माध्यम से सफलता हासिल की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। 90 के दशक में वह सौदागर फिल्म के साथ काम करना चाहते थे। सौदागर, अंगार और सपने साजन के गर्डिस के साथ वे खलनायक के रूप में काम किया। जो साल 1942 में ए लव स्टोरी रंगीला और अग्निसाक्षी मूवी में इन्होंने काम किया था। अग्निसाक्षी, बॉर्डर और शपथ फिल्म जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। शपथ फिल्म में इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ अभिनय किया था और शपथ फिल्म सफल रही थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बता दें साल 2006 में श्रॉफ ने बच्चों की फिल्म भूत अंकल में अभिनय किया। 2010 में हुआ फिल्म भूत एंड आपको बता दें फ्रेंड्स में दिखाई दिए थे। 2011 में उन्होंने गुरु भाई ठक्कर द्वारा निर्देशित की गई फिल्म श्रद्धा इन द नेम ऑफ गॉड में एक कैमियो भूमिका भी निभाई है। 2017 में श्रॉफ ने कोकीन में अपनी शुरुआत की। फिल्म शोल करी में अभिनय किया था, जिसने उन्हें एक पुरस्कार भी दिलाया था। इसके बाद उन्हें 2019 में रिलीज होने वाली एक और कोकनी फिल्म में देखा गया था और इन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया है, जिसका शीर्षक कंतार रखे गए थे। अक्टूबर 2018 में उन्होंने एक लघु फिल्म में काम किया, जहां प्ले बॉय की किरदार फिल्म में निभाए थे। मिस्टर सहानी में अभिनय किया था और उन्हें पलटन में भी देखा गया था। उन्हें 2019 में फिर जो है भरत साहू और रोमियो अकबर में देखा गया था। रोमियो अकबर, वाल्टर जैसी कई फिल्मों में काम करना इन्होंने जारी रखा है और वह प्रार्थना में भी अभिनय करने जा रहे हैं, जो अली फजल के साथ और संजय दत्त के साथ इसी नाम की तेलुगु फिल्म का हिंदी रिमेक होने जा रही है। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। इसी के साथ चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अमृता सिंह के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। अमृता सिंह ने 1983 में बेताब मूवी के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। वह एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसमें उन्हें सनी देओल के साथ जोड़ा गया था। बाद दोस्तों आपको बता दें, अमृता को फिर से अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया था। मर्द फिल्म में इन्होंने काम किया 1985 में, जो सबसे बड़ी हिट मूवी थी, और साहेब फिल्म 1985 में ही रिलीज हुई थी। चमेली की शादी और नाम दोनों ही रिलीज हुए थे। साल 1986 में खुद गर्ज फिल्म रिलीज हुआ था और 1987 में काफी अच्छे फिल्म रिलीज हुए थे। अमृता सिंह ने केवल सनी देओल, संजय दत्त और राज बब्बर के साथ, बल्कि जितेंद्र, विनोद खन्ना और अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ 1980 के दशक के कुछ प्रमुख अभिनेताओं के साथ कई फिल्मों में एक सफल जोड़ी बनाई। प्रमुख भूमिकाएं निभाने के साथ साथ उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म 1992 में अभिनय किया, सूर्यवंशी फिल्म 1992 में और आईना फिल्म 1993 में इन्होंने अभिनय किया। इन जैसे फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाई थी। बात के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। साहेब और चमेली की शादी जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने पारिवारिक जीवन में आपको बतला दें संन्यास लेने का फैसला किया और रंग फिल्म 1993 में अपनी उपस्थिति के बाद अभिनय करना छोड़ दिया। इसके अलावा साल 2002 में 23 मार्च 1931 को शहीद के साथ अभिनय में वापसी की थी, जिसमें उन्होंने भगत सिंह, बॉबी देओल द्वारा अभिनीत की मां की भूमिका निभाई। और 2005 में स्टार प्लस पर प्रसारित की गई एकता कपूर के पारिवारिक नाटक जो है काव्यांजलि के साथ टेलीविजन उद्योग में शामिल हुई, जो शो में सिंह को एक नकारात्मक भूमिका में देखा गया था। इसने जल्द ही अपार और लोकप्रियता हासिल कर ली। उस वर्ष बाद में
उन्होंने फिल्म जो है कलयुग के लिए एक और नकारात्मक भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की, जो 2007 में सिंह ने अपूर्वा और लाखिया धारा निर्देशित की गई। संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट के साथ हुए लोखंडवाला में गैंगस्टर माया डोलासी की मां रत्ना प्रभा में दिखाई दी थी, जहां पे डोलास की भूमिका निभाई इन्होंने। विवेक ओब्रॉय के साथ इन्होंने माया डोलास की भूमिका निभाई। बाद में वह एंथोलॉजी फिल्म जो है 10 कहानियां में दिखाई दी, जहां वह लघु कहानी और इसके अलावा पूर्णमासी में दिखाई दी थी। अपने अभिनय की यात्रा को जारी रखते हुए जरारे मूवी के साथ साथ 2010 में इनको फिर से देखा गया और यासराज फिल्म के बैनर के तहत औरंगजेब फिल्म 2012 में भी देखा गया, जहां उन्हें लगभग 2 दशकों के बाद जैकी श्रॉफ के साथ जोड़ा गया था। और आईना फिल्म में एक साथ जोड़ी बनाने के बाद 2014 में उन्हें धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित की गई दो स्टेट में सह अभिनेता अर्जुन कपूर की माँ की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। ये फिल्म 18 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई थी और ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मूवी थी और सिंह को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें साल 2014 को रिलीज हुई थी और ये मूवी एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मूवी थी। अमृता सिंह को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। 2016 में वह फ्लाइंग जाट में टाइगर श्रॉफ के साथ फ्लाइंग जेट फिल्म में टाइगर श्रॉफ की मां की भूमिका में देखा गया था इनको और इन्होंने फ्लाइंग जेट मूवी में अभिनय की। जो 2017 में वह कॉमेडी ड्रामा हिंदी मीडियम फिल्म में एक स्कूल प्रिंसिपल के रूप में दिखाई दी। जो 2019 में वह जय घोष की बदला लेने वाले में दिखाई दी, जहां पे 18 साल में पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और बदला को अत्यधिक जो है सकारात्मक समीक्षा मिली और सिंह के प्रदर्शन को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई और सिंह के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया था। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। आईना मूवी इज अ 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय दीपक स्क्रीन एंड प्रोड्यूसर बाय द यश चोपड़ा एंड हिज वाइफ पमेला चोपड़ा। इट इज द जैकी श्रॉफ जूही चावला एंड अमृता सिंह विद बी दीपक तिजोरी एंड सपोर्टिंग रोल द फिल्म इन द ब्लॉकबस्टर हिट द इंडिया एंड सॉलिड द जूही चावला करेक्टिंग द लीडिंग लेडी इन द 1990s द सिंग एंड परफॉर्मेंस द नेगेटिव रोल वॉज द हाईली एंड अप्रोचेड एंड द रिगार्ड वन ऑफ द करियर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द मूवी द आईना। फिल्म हिस्टोरी इज द राजनेश माथुर ऑफ एंड द वेल्थी एंड बिजनेस मैन हैज द टू डॉटर एंड रोमा द एल्डर वन ऑफ द वेरी एंड कॉम्पिटिटिव एंड द ऑलवेज बीन द एंड इज पोस लाइक द ब्यूटीफुल एंड द सी द रीमा इज द क्विट एंड रिसोर्स एंड द यू लिव लेट द रोमा टेक द एंड इज पोटली द एंड बर्ड ग्रो ऑफ द मूवी एंड एंटायरली द डिफरेंट एंड फेल इन लव विद द रवि सक्सेना ऑलवेज द एंड कंट्रोल ऑफ द एंड अटेंशन रोमा द एंड कैच हिज द एंड इजी द एंड फर्स्ट रीमा हिज द एंड हार्ट ब्रोकन बट द पोस्ट एंड द ब्रेव द फेसेस रवि एंड रोमा हिज द वेडिंग हिज द एंड फिक्स्ड द अंडर अनफॉर्चुनेटली इन रोमा इज द एंड एंबिशन टू बी ए स्टार इन फिल्म द एंड गेट्स ऑन द ऑफर वन द मैरिज डे द एंड सी एक्सेप्ट एंड द लीव एंड रवि द एंड बिफोर थर्ड द एंड वेडिंग द फोर्सेस द एंड मैरिज रीमा To save his the honor of the Mathur at the first day and read the quit in the uncomfortable, but the Ravi eventually falls in love with the Reema. In Roma, the return home hit the end rag, hit the end tells him the entry, the never too happy, she hit the bin the end veteran, are determined to be in Ravi back to Roma and willing to be in anything the including the running the and Roma hit the life, see the end created the end, a tropical light the end participate the comedy the end. Suicide etc hit the end Reema the gift and the livers here the end house the Ravi and the furiously the makes Roma the understand with the end different is the between here the Reema and Roma the realize here the end mistake and the runner the Ravi and Roma in the movie। चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं आईना फिल्म की कहानी के बारे में। आईना फिल्म दीपक सरीन धारा निर्देशित की गई। आपको बता दें 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसका निर्माण यश चोपड़ा और उनकी पत्नी पमेला चोपड़ा ने किया है। इसमें आपको बता दें जैकी श्रॉफ जूही चावला और अमृता सिंह के साथ दीपक तिजोरी सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म भारत में एक ब्लॉकबस्टर हिट मूवी थी जो 1990 के दशक में एक प्रमुख महिला के रूप में चावला के करियर को मजबूती किया गया था। यहाँ पे नकारात्मक भूमिका में सिंह के प्रदर्शन की अत्यधिक सराहना की गई।
थी और इसे उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का तेलुगु में आया नकी के नाम से रिलीज किया गया था उस वक्त। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात कर ले कन्नड़ भाषा के बारे में, तो इस फिल्म को येरेनी अभिमानी के रूप में रिलीज किया गया था 2000 के दशक में। इसके अलावा दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो एक धनी व्यवसायी रंजीश माथुर की दो बेटियां हैं, रुमा बड़ी बेटी है और इसके साथ जो प्रतिशवादी और हमेशा खराब रहती है। इसके विपरीत हम बात कर ले रीमा के बारे में तो काफी शर्मीली काफी सीमित है। आमतौर पर रोमा को सुर्खियों में आने के लिए दोनों बड़े होकर पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और रवि सक्सेना के प्यार में पड़ जाते हैं। हमेशा ध्यान का केंद्र रोमा सबसे पहले उसकी नजर में आती है। रीमा का दिल टूट गया है लेकिन वह एक बहादुर चेहरा रखती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें रवि और रोमा की शादी तय हो गई है। दुर्भाग्य से रोमा एक फिल्म में अभिनय करने के लिए महत्वाकांक्षी है और उसे शादी के दिन ही एक प्रस्ताव मिल जाता है। वह रवि को उनकी शादी से पहले स्वीकार करती है और उसे छोड़ देती है। क्रोधित होकर वह माथुर के सम्मान को बचाने के लिए रीमा से शादी कर लेता है। सबसे पहले वह काफी असहज है लेकिन रवि को अंत तक रीमा से ही प्यार हो जाता है। रोमा गुस्से में आकर घर लौटती है और उन्हें बताती है कि वह कभी खुश नहीं होंगे क्योंकि उसे धोखा दिया गया है। रवि को वापस पाने के लिए कृति शंकर क्लब के साथ रोमा रीमा के जीवन को बर्बाद करने सहित कुछ भी कर सकती है इस फिल्म के अंदर, और वह बहुत परेशानी भी पैदा करती है जैसे आत्महत्या का नाटक करना आदि। अंत में रीमा हार मान लेती है और अपना घर छोड़ देती है। रवि गुस्से में रोमा को समझाता है कि उसके और रीमा में क्या अंतराल है। रोमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रवि और रीमा को फिर से मिला देती है और फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है। या फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और इस मूवी से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब ऐसे इस मूवीज के फैक्ट के बारे में जानते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्य से रोमा एक फिल्म में अभिनय करने के लिए महत्वाकांक्षी है और उसे शादी के दिन एक प्रस्ताव मिलता है। वह रवि को उनकी शादी से पहले स्वीकार करती है और उसे छोड़ देती है, लेकिन क्रोधित होकर वह माथुर के सम्मान को बचाने के लिए रीमा से शादी कर लेता है। सबसे पहले वह काफी असहज है लेकिन रवि को अंत तक रीमा से प्यार हो जाता है। रोमा गुस्से में घर लौटती है और उसे बताती है कि वह कभी खुश नहीं होगी क्योंकि उसे धोखा दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें रवि को वापस पाने के लिए कृति संकलन करती है और बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन रोमा रीमा के जीवन को बर्बाद करने सहित कुछ भी करने को तैयार है। वह बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करती है दोनों के बीच में, जैसे कि आत्महत्या का नाटक करना आदि। अंत में रीमा हार मान लेती है और अपना घर छोड़ देती है। रवि गुस्से में रोमा को समझाता है और उसके और रीमा में क्या अंतर है इसके बारे में बतलाता है। रोमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रवि और रीमा को फिर से मिला देती है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी को समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आईना फिल्म को और मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें फ्रेंड्स आईना फिल्म को दीपक सरीन सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि फिल्म की कहानी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी। फिल्म की कहानी होनी ईरानी सर ने लिखे थे और फिल्म के प्रोड्यूसर यश चोपड़ा एंड पमेला चोपड़ा ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए थे। मुख्य स्टार का किशोरभ, जूही चावला, अमृता सिंह फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे और दोनों बहनों के रूप में इस फिल्म में अभिनय की थी। अमृता सिंह राहुल रोमा माथुर के रूप में फिल्म में अभिनय की थी, जूही चावला रीमा माथुर के रूप में फिल्म में अभिनय की थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको बता दें दोनों ही जैकी श्रॉफ से प्यार करते हैं लेकिन रोमा माथुर से शादी नहीं कर पाता है। जैकी श्रॉफ और रीमा माथुर से शादी हो जाती है। इसी बीच जो है रोमा माथुर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने प्यार का बदला लेना चाहती है और फिल्म की कहानी इसी तरह सीरियस हो जाता है। यह फ्रेंड्स आपने सही सुना। साथ फ्रेंड आपको बता दें इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस के मुताबिक इस फिल्म ने 1993 में 138 मिलियन से अधिक की कमाई किया था और इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया है। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जैकी श्रॉफ के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है और इनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं।
सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर आप जे के श्रॉफ के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं जे के श्रॉफ के बारे में। तो दोस्तों, जे के श्रॉफ ने 11वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनके परिवार के पास ज्यादा पैसा नहीं थे। उन्होंने ताज होटल में एक प्रशिक्षक के रूप में शेफ के रूप में काम करना स्टार्ट किया था। इंडिया में एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं। इस तरह के काम करने के बाद योग्यता की कमी के कारण उन्हें दोनों जगहों से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद आपको बता दें, उन्होंने जहांगीर आर्ट के साथ गैलरी के पास ट्रेड विंस के साथ नामक एक स्थानीय कंपनी में ट्रेवल एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया। एक विज्ञापन एजेंसी के अकाउंटेंट के रूप में उनको रखा गया था, जहाँ पे बॉस स्टैंड पर देखा गया था और उन्हें पूछा कि क्या उन्हें मॉडलिंग में दिलचस्पी होगी। अगले दिन श्रॉफ दोपहर के भोजन के समय फोटोशूट करने के लिए पहुंच चुके थे। इसके अलावा आपको बता दें, कॉलेज के समान भवन में स्थित विज्ञापन के साथ एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञापन एजेंसी में गए थे, जहाँ पे शूट शॉट के लिए। इसी फोटोशूट ने श्रॉफ को उनके मॉडलिंग पर बहुत ज़्यादा यानी कि अधिक जो है ध्यान आकर्षित किए थे। जो साल 1982 में श्रॉफ ने देव आनंद की फिल्म स्वामी दादा में अभिनय की शुरुआत कर दी। साल 1983 में सुभाष घाई ने उन्हें मीनाक्षी सेसेदरी के साथ जोड़ी गई फिल्म हीरो के लिए मुख्य भूमिका में कास्ट किया। फिल्म सफल रही, लेकिन उन्होंने सुभाष घाई की फिल्मों में काम करना जारी रखा। चाहे किसी भी भूमिका की पेशकश उनको क्यों न की जाए, वो हमेशा तैयार रहते थे। हीरो फिल्म के बाद उन्होंने कई अन्य फिल्मों की, जैसे कि आपको बता दें अंदर बाहर, जानू और युद्ध सफल रहे थे। उसी के साथ 1986 में उन्होंने कर्मा फिल्म में अभिनय किया और ये फिल्म भी साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। बता दें फ्रेंड्स, कर्मा मूवी साल 1986 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उनकी अगली रिलीज मूवी होने वाली फिल्म काश थी। बाद में दहलीज के बारे में हम बात कर ले तो सच्चे का बोलबाला जैसी फिल्मों को समीक्षकों द्वारा सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे असफल रही। लेकिन उन्होंने राम लखन फिल्म में फिर से अभिनय किया, त्रिदेव मूवी में और परिंदा जैसी फिल्मों के माध्यम से सफलता हासिल की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। 90 के दशक में वह सौदागर फिल्म के साथ काम करना चाहते थे। सौदागर, अंगार और सपने साजन के गर्टिस के साथ जो खलनायक के रूप में काम किया। जो साल 1942 में ए लव स्टोरी रंगीला और अग्निसाक्षी मूवी में इन्होंने काम किया था। अग्निसाक्षी, बॉर्डर और शपथ फिल्म जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। शपथ फिल्म में इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ अभिनय किया था और सफल फिल्म सफल रही थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बता दें, साल 2006 में श्रॉफ ने बच्चों की फिल्म भूत अंकल में अभिनय किया। 2010 में हुआ फिल्म भूत एंड आपको बता दें फ्रेंड्स में दिखाई दिए थे। जो 2011 में उन्होंने गुरु भाई ठक्कर द्वारा निर्देशित की गई फिल्म श्रद्धा इन द नेम ऑफ गॉड में एक कैमियो भूमिका भी निभाई है। 2017 में श्रॉफ ने कोकीन में अपनी शुरुआत की। फिल्म शोल करी में अभिनय किया था, जिसने उन्हें एक पुरस्कार भी दिलाया था। इसके बाद उन्हें 2019 में रिलीज होने वाली एक और कोकनी फिल्म में देखा गया था और इन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया है, जिसका शीर्षक कंतार रखे गए थे। अक्टूबर 2018 में उन्होंने एक लघु फिल्म में काम किया, जहां प्ले बॉय की किरदार फिल्म में निभाए थे। मिस्टर सहानी में अभिनय किया था और उन्हें पल्टन में भी देखा गया था। उन्हें 2019 में फिर जो है भरत साहो और रोमियो अकबर में देखा गया था। रोमियो अकबर, वाल्टर जैसी कई फिल्मों में काम करना इन्होंने जारी रखा है और वह प्रार्थना में भी अभिनय करने जा रहे हैं, जो अली फजल के साथ और संजय दत्त के साथ इसी नाम की तेलुगु फिल्म का हिंदी रिमेक होने जा रही है। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। इसी के साथ चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अमृता सिंह के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। अमृता सिंह ने 1983 में बेताब मूवी के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। वह एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा, जिसमें उन्हें सनी देओल के साथ जोड़ा गया था। बात दोस्तों आपको बता दें, अमृता को फिर से अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया था। मर्द फिल्म में इन्होंने काम किया 1985 में, जो सबसे बड़ी हिट मूवी थी, और साहेब फिल्म 1985 में ही रिलीज हुई थी। चमेली की शादी और नाम दोनों ही रिलीज हुए थे। साल 1986 में खुद गर्ज फिल्म रिलीज हुआ था और 1987 में काफी अच्छे फिल्म रिलीज हुए थे। अमृता सिंह ने केवल सनी देओल, संजय दत्त और राज बब्बर के साथ, बल्कि जितेंद्र, विनोद खन्ना और अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ 1980 के दशक के कुछ प्रमुख अभिनेताओं के साथ कई फिल्मों में एक सफल जोड़ी बनाई। प्रमुख भूमिका निभाने के साथ साथ उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म 1992 में अभिनय किया, सूर्यवंशी फिल्म 1992 में और आईना फिल्म 1993 में इन्होंने अभिनय किया।
इन जैसे फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाई थी। बाद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। साहिब और चमेली की शादी जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने पारिवारिक जीवन में आपको बतला दें संन्यास लेने का फैसला किया और रंग फिल्म 1993 में अपनी उपस्थिति के बाद अभिनय करना छोड़ दिया। इसके अलावा साल 2002 में 23 मार्च 1931 को शहीद के साथ अभिनय में वापसी की थी, जिसमें उन्होंने भगत सिंह बॉबी देओल द्वारा अभिनीत की मां की भूमिका निभाई। और 2005 में स्टार प्लस पर प्रसारित की गई एकता कपूर के पारिवारिक नाटक जो है काव्यांजलि के साथ टेलीविजन उद्योग में शामिल हुई। जो शो में सिंह को एक नकारात्मक भूमिका में देखा गया था, इसने जल्द ही अपार और लोकप्रियता हासिल कर ली। उस वर्ष बाद में उन्होंने फिल्म जो है कलयुग के लिए एक और नकारात्मक भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की, जो 2007 में सिंह ने अपूर्व और लाखिया धारा निर्देशित की गई संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट के साथ हुए लोखंडवाला में गैंगस्टर माया डोलासी की मां रत्ना प्रभा में दिखाई दी थी, जहां पे डोलास की भूमिका निभाई इन्होंने विवेक ओबरॉय के साथ इन्होंने माया डोलास की भूमिका निभाई। बाद में वह एंथोलॉजी फिल्म जो है 10 कहानियां में दिखाई दी, जहां वह लघु कहानी और इसके अलावा पूर्णमासी में दिखाई दी थी। अपने अभिनय की यात्रा को जारी रखते हुए जरारे मूवी के साथ साथ 2010 में इनको फिर से देखा गया और यासरस फिल्म के बैनर के तहत औरंगजेब फिल्म 2012 में भी देखा गया, जहां उन्हें लगभग 2 दशकों के बाद जैकी श्रॉफ के साथ जोड़ा गया था। और आईना फिल्म में एक साथ जोड़ी बनाने के बाद 2014 में उन्हें धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित की गई दो स्टेट में सह अभिनेता अर्जुन कपूर की मां की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। ये फिल्म 18 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई थी और ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मूवी थी और सिंह को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहां फ्रेंड्स आपने सही सुना। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें साल 2014 को रिलीज हुई थी और ये मूवी एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मूवी थी। अमृता सिंह को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। 2016 में वह फ्लाइंग जाट में टाइगर श्रॉफ के साथ फ्लाइंग जेट फिल्म में टाइगर श्रॉफ की मां की भूमिका में देखा गया था इनको और इन्होंने फ्लाइंग जेट मूवी में अभिनय की। जो 2017 में वो कॉमेडी ड्रामा हिंदी मीडियम फिल्म में एक स्कूल प्रिंसिपल के रूप में दिखाई दी। जो 2019 में वह सुजय घोष की बदला लेने वाले में दिखाई दी, जहाँ पे 18 साल में पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और बदला को अत्यधिक जो है सकारात्मक समीक्षा मिली और सिंह के प्रदर्शन को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई और सिंह के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया था। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। आईना मूवी इज अ 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय दीपक स्क्रीन एंड प्रोड्यूसर बाय द यश चोपड़ा एंड हिज वाइफ पमेला चोपड़ा। इट इज द जैकी श्रॉफ जूही चावला एंड अमृता सिंह विद बी दीपक तिजोरी एंड सपोर्टिंग रोल द फिल्म इन द ब्लॉकबस्टर हिट द इंडिया एंड सॉलिड द जूही चावला द लीडिंग लेडी इन द 1990s सिंग एंड परफॉर्मेंस द नेगेटिव रोल वॉज द हाईली एंड अप्रोचेड एंड द रिगार्ड वन ऑफ द करियर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द मूवी द आईना। फिल्म हिस्टोरी इज द राजनेश माथुर ऑफ एंड द वेल्थी एंड बिजनेस मैन हैज द टू डॉटर एंड रोमा द एल्डर वन ऑफ द वेरी एंड कॉम्पिटिव एंड द ऑलवेज बीन द एन स्पोसू लाइट द ब्यूटिफुल एंड द सी द रीमा इज द क्विट एंड रिसोर्फ एंड द यूज लिप लेट द रोमा टेक द एंड स्पोटली द इन बर्ड ग्रो ऑफ द मूवी एंड एंटायरली द डिफरेंट एंड फेल इन लव विद दी रवि सक्सेना ऑलवेज द इन कंट्रोल ऑफ द इन अटेंशन रोमा द एन कैच हिट द इन इजी द एंड फर्स्ट रीमा हिट द इन हार्ट ब्रोकन बट द पोस्ट एंड द ब्रेव द फेसेस रवि एंड रोमा हिट द वेडिंग हिट द एन फिक्सर द अनफॉर्चुनेटली इन रोमा इज द इन एम्बिशन टू बी ए स्टार इन फिल्म द एन गेस्ट ऑन द ऑफर वन द मैरिज डे द एन सी एक्सेप्ट एंड द लीव इन रवि द एन बिफोर थियर द इन वेडिंग द फोर्सेज द इन मैरिज रीमा To save hit the honor of the Mathur at the first day and read the quit in the uncomfortable but the Ravi eventually falls in love with Dirima in Roba the return home hit the end rag hit the end tells him the entry the never too happy see hit the bin the end battery or determined to be in Ravi back the Roma and willing to be in anything the including the running the and Roma hit the life see the end created the end or Trubukan like the end participate the committee the end Suicide ETC hit the end Rima the gift and the livers here the end house the Ravi and the furiously the makes Roma the understand with the end different is the between here the Rima and Roma the realize here the end mistake and the runner the Ravi and Roma in the movie.
चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं आईना फिल्म की कहानी के बारे में। आईना फिल्म दीपक शरीन द्वारा निर्देशित की गई। आपको बता दें 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण यश चोपड़ा और उनकी पत्नी पमेला चोपड़ा ने किया है। इसमें आपको बता दें जैकी श्रॉफ, जूही चावला और अमृता सिंह के साथ दीपक तिजोरी सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म भारत में एक ब्लॉकबस्टर हिट मूवी थी, जो 1990 के दशक में एक प्रमुख महिला के रूप में चावला के करियर को मजबूती किया गया था। यहाँ पे नकारात्मक भूमिका में सिंह के प्रदर्शन की अत्यधिक सराहना की गई थी और इसे उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का तेलुगु में आया नकी के नाम से रिलीज किया गया था उस वक्त। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात कर ले कन्नड़ भाषा के बारे में, तो इस फिल्म को येरेनी अभिमानी के रूप में रिलीज किया गया था 2000 के दशक में। इसके अलावा दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो एक धनी व्यवसायी रंजीश माथुर की दो बेटियां हैं। रोमा बड़ी बेटी है और इसके साथ जो प्रतिशवादी और हमेशा खराब रहती है। इसके विपरीत हम बात कर ले रीमा के बारे में तो काफी शर्मीली, काफी सीमित है। आमतौर पर रोमा को सुर्खियों में आने के लिए दोनों बड़े होकर पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और रवि सक्सेना के प्यार में पड़ जाते हैं। हमेशा ध्यान का केंद्र रोमा सबसे पहले उसकी नजर में आती है। रीमा का दिल टूट गया है लेकिन वह एक बहादुर चेहरा रखती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें रवि और रोमा की शादी तय हो गई है। दुर्भाग्य से रोमा एक फिल्म में अभिनय करने के लिए महत्वाकांक्षी है और उसे शादी के दिन ही एक प्रस्ताव मिल जाता है। वह रवि को उनकी शादी से पहले स्वीकार करती है और उसे छोड़ देती है। क्रोधित होकर वह माथुर के सम्मान को बचाने के लिए रीमा से शादी कर लेता है। सबसे पहले वह काफ़ी असहज है लेकिन रवि को अंत तक रीमा से ही प्यार हो जाता है। रोमा गुस्से में आकर घर लौटती है और उन्हें बताती है कि वह कभी खुश नहीं होंगे क्योंकि उसे धोखा दिया गया है। रवि को वापस पाने के लिए क्रिंति शंक क्लब के साथ रोमा रीमा के जीवन को बर्बाद करने सहित कुछ भी कर सकती है इस फिल्म के अंदर, और वह बहुत परेशानी भी पैदा करती है जैसे आत्महत्या का नाटक करना आदि। अंत में रीमा हार मान लेती है और अपना घर छोड़ देती है। रवि गुस्से में रोमा को समझाता है कि उसके और रीमा में क्या अंतराल है। रोमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रवि और रीमा को फिर से मिला देती है और फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है। या फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और इस मूवी से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से इस मूवीज के फैक्ट के बारे में जानते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बातें करें तो अनिल कपूर, जूही चावला ने अभिनय किए हैं और इस फिल्म के जितने भी गाने हैं आनंद मिलिंद ने तैयार किए हैं। दोस्तों मूवी की कहानी अच्छी हो तो फिल्म को देखने का मजा ही कुछ और होता है। कुछ इसी तरह की बातें इस फिल्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस फिल्म में अनिल कपूर ने रवि कुमार श्रीवास्तव का किरदार निभाया है, जो कि एक आम आदमी रहता है और अपनी ईमानदारी की वजह से कई जगह पर नौकरी मिलने के बावजूद भी अपनी नौकरी को खो देता है, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी का कोई भी गुजारा नहीं रहता है, जिसके कारण इन्हें जो है अपना नौकरी खोना पड़ता है। और उनके पिता इन पे काफ़ी ज़्यादा यानी कि गुस्सैल होते हैं और बोलते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पे कभी भी खड़ा नहीं हो सकता और इन्हें जो है लोग लोफर के नाम से जो है गांव में जानते हैं। और जूही चावला कैरेक्टर के बारे में हम बात करें तो किरण माथुर के किरदार में इस फिल्म में नजर आई है, जो कि रवि कुमार की गर्लफ्रेंड के किरदार इस फिल्म में निभाई है। और शुरुआत में रवि कुमार की ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती है, लेकिन बीच में इनसे प्यार हो जाता है और रवि कुमार की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब बात करते हैं प्रमोद माथुर के बारे में, जो कि दंड पानी के किरदार में इस फिल्म में नजर आए हैं। मुकेश ऋषि के बारे में बातें करें तो बादशाह के किरदार में इस फिल्म में नजर आए हैं, जो कि जबरन किसी और के दुकानों पे अपना नाम लिखने का इनको इस फिल्म में काफी ज्यादा शौक रहता है। गुलशन ग्रोवर के किरदार के बारे में हम बातें करें तो इसमें कृपा शंकर के किरदार में नजर आए हैं, जो कि एक भ्रष्ट राजनेता के किरदार में इस फिल्म में नजर आए हैं। कुलभूषण खरवंदा के बारे में हम बातें करें तो कुमार रवि के फादर के किरदार में ये नजर आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिटलर के किरदार निभाए हैं और अपने बेटे पर काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ पैदा कर दी है, क्योंकि सुबह शाम इनको ताना देते रहते हैं कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलता है और एक आम आदमी की हालत इसी तरह होती है। यही चीज़ इस फिल्म में दिखाया गया है। फरीदा जलाल जानकी कुमार के किरदार में इस फिल्म में नजर आई है, जो कि रवि कुमार की मां की किरदार इस फिल्म में निभाई है। शक्ति कपूर के बारे में हम बातें करते तो भीकू रवि के यानी कि रवि के फ्रेंड के किरदार इस फिल्म में निभाए हैं और विकास आनंद इस फिल्म में माथुर किरण के फादर के करेक्टर को इस फिल्म में निभाए हैं।
टीकू सलसा ने भी इस फिल्म में काम किए हैं, जो कि होटल के एक क्लाइंट यानी कि स्कूल प्रिंसिपल भी रहते हैं, जो कि इनको जो है दो जगहों से नौकरी से निकालने में इन्हीं का हाथ रहता है अनिल कपूर को। दोस्तों ये थी मूवी के कुछ लीड एक्टर जिनका नाम मैंने अभी लिया, और फिल्म की जो कहानी के बारे में बातें करें तो भलाई कीदा कुदुच्चू फिल्म से रिमेक है, जो कि तमिल में ये मूवी 1990 में रिलीज हुआ था। उसी फिल्म को देख कर उसी से मिलते जुलते सन 1996 में देवी धवन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, जो कि सन 1996 में ये फिल्म रिलीज हुआ है और ये मूवी भी सुपरहिट साबित हुई है। दोस्तों इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी सामने नहीं आया है, मैं आपको थोड़ा देर में इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस दोनों ही बताऊंगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। लोफर फिल्म डेविड धवन द्वारा निर्देशित की गई और सुरेंद्र कपूर और बोनी कपूर द्वारा निर्मित की गई 1996 की भारतीय बॉलीवुड मसाला फिल्म है। इस फिल्म में अनिल कपूर और जूही चावला ने प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए हैं, और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म और साथ ही वेले किडा कुद्दू फिल्म से रिमेक थी, और फिल्म को तेलुगु में असेंबली राउडी 1991, कन्नौट में राउडी एंड उनके साथ जो है ML 1991, हिंदी में लोफर फिल्म 1996, और साथ ही ओडिया में कोटी मनीषा गोटी जगह के रूप में इस फिल्म को बनाया गया था। इस फिल्म की कहानी शुरुआत में गौतमी के एक गांव में जाने और तमिल को याद करने से होती है, क्योंकि फिल्म हमें फ्लैशबैक में ले जाता है और गांव बादशाह अंदर राज नाम के एक स्थानीय डॉन का शिकार होता है, जिसके अत्याचार पुलिस धारा भी अन उनके साथ जो है अनियंत्री हो जाता है। अधिकांश और साथ ही पुलिसकर्मी या तो रिश्वत लेते थे या उसके द्वारा मारे जाते थे। साथ ही पला निशानी सत्याराज का परिवार इसी गांव में रहता है और वह गांव में हो रहे अत्याचार को देखते हैं और उन्हें बर्दाश्त करते हो रहे दंगों पर सवाल उठाता है और उन्हें साथ जो है बादशाह से दुश्मनी रखता है, और साथ ही पला निशानी किसी तरह बादशाह और उसके मालिक से गांव को बचाता है। यह कहानी बाकी है और अंत में यानी कि सत्यराज और साथी पुरुषोत्तम आर उनके साथ जो है शरद कुमार को मारते हैं और झंडा फहराते हुए मर जाते हैं। दोस्तों ये थी साउथ इंडियन मूवी की कहानी जो मैंने आप लोग को बताया, लेकिन ये बॉलीवुड में जब 1996 में इस फिल्म को दोबारा से अनिल कपूर को लेकर बनाया गया तो यहाँ पर कुछ एक्टर्स के नाम को चेंज किए गए, लेकिन कहानी को सेम रखा गया, क्योंकि इस फिल्म में भी बादशाह के डर ने जो है गाँव को डरा रखा था और जितनी भी दुकान या जितने भी लोग थे बादशाह के डर से जो है अपने जुबान को बंद रखते हैं फिल्म के अंदर। दोस्तों मूवी की कहानी काफी मसालादार है, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। फिर मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूं, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ही बतला सकता हूं, यहां पे मैं किसी और चीज को ज्यादा नहीं बतला सकता और ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को यहां पे नहीं मिले। फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू एंड मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी में अनिल कपूर ने अभिनय किए हैं और जूही चावला मैम ने अभिनय किए हैं। अब अनिल कपूर के बारे में इस वीडियो में हम काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं। दोस्तों अगर आप लोग इनके फैन हैं और इनके मूवीज़ को आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और आप लोग को पता है मैं अपने इस चैनल पर मूवी को रिव्यू करता हूँ, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ही सिर्फ बतलाता हूँ, और इस वीडियो में हम लोफर फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं जिसे 1996 में रिलीज़ किया गया था। मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा मसालादार है। इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी ऐसी अनसुनी बातें जानने को मिलेगा जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म को YouTube पे किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया है, और मैं भी इस फिल्म को YouTube पे अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ और मूवी के बारे में सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी के फैक्ट को बता सकता हूँ। मूवी को अपलोड करने का अनुमति मुझे नहीं है। मैं जैसे ही किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड करूँगा तो मुझे स्ट्राइक लगा दिया जाएगी कॉपीराइट या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन का, जिसकी वजह से हमारा चैनल जो है खतरा में पड़ सकता है। दोस्तों आप लोगों को पता है मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी रिव्यू अपने इस YouTube चैनल पर करता हूँ। अब अनिल कपूर सर के बारे में काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अनिल कपूर सर के जन्म के बारे में हम बातें करें तो इनका जन्म दिसंबर 1956 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखला में भी अभिनय किया है।
एक कभी नेता और एक निर्माता के रूप में 2005 से 40 साल से अधिक के करियर में कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किए हैं और कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय और पंद फिल्मों में उनकी मुख्य भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले। उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर बॉम्बे में जन्मे उन्होंने रोमांस हमारे तुम्हारे फिल्म 1979 में एक छोटी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी और फिर तेलुगु फिल्म यानी कि वामजा वच्चम मूवी 1980 में दिखाई दिए। कपूर के करियर ने एक्शन ड्रामा मसाला फिल्म 1984 में उनकी ब्रेकआउट भूमिका के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मोड़ देखा गया था। अब इन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में 80 के दशक के दौरान उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में मेरी जंग मूवी थी 1985 में ये मूवी रिलीज हुई थी और कर्मा फिल्म 1986 में रिलीज किया गया था। मिस्टर इंडिया 1987 में, तेजाब 1988 में, रामलखन 1989 में और परिंदा फिल्म 1989 में शामिल है। वह अगले तीन दशकों में शीर्ष कमाई करने वाली फिल्मों लम्हे 1991, लाडला फिल्म 1994, जुदाई 1997, दीवाना मस्ताना 1997 में हम आपके दिल में रहते हैं प्रमुख भूमिकाओं के साथ एक यानी अत्यधिक और साथ ही लाभदायक बॉलीवुड स्टार बन गए हैं। 1999 में बीबी नंबर 1 फिल्म और 1999 में नो एंट्री 2005 की मूवी और वेलकम फिल्म 2007 से रेस फिल्म 2008 तक इन्होंने अभिनय किए और 2013 में वेलकम बैक में फिर से इन्होंने अपनी किरदार को निभाया और 2015 से रेस 3 और 2018 में टोटल धमाल फिल्म 2019 और साथ ही मलंग जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। इसी तरह उनके अभिनय के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली और दिल धड़कने दो फिल्म 2015 में इन्होंने अभिनय किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर की पहली भूमिका डेनी बायर की एकेडमी पुरस्कार विजेता फिल्म उनके साथ जो है कि सलम डॉग और साथ ही मिलेनियर में थी जिसके लिए उन्होंने मोशन पिक्चर एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड साझा किया था। एक्शन सीरीज 24 के 8वें सीजन में उनके प्रदर्शन ने अमेरिकी प्रेस से अच्छी समीक्षा प्राप्त की थी और विश्व स्तर पर कपूर सबसे अधिक यानी मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म अभिनेताओं में से एक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं अनिल कपूर सर की रियल लाइफ के बारे में और इनकी मूवी को रिव्यू कर रहे हैं लोफर फिल्म को जिसे 1996 में रिलीज किया गया था। अगर आप इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं और इनको आप लाइक करते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। अब अनिल कपूर का जन्म एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था 24 दिसंबर 1956 को चेंबूर में निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर में इनका जन्म हुआ था। बेहतर स्रोत्र की जरूरत वह जो है यानी कि 4 बच्चों में से दूसरे नंबर पे हैं। उनके बड़े भाई बोनी कपूर एक फिल्म निर्माता है और छोटे भाई संजय कपूर एक अभिनेता है। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मोना शौरी कपूर दोनों उनकी बोनी कपूर की पत्नियां हैं और उनकी भाभी भी थी और नेडना और उनके साथ जो है नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक और साथ ही मार वह स्टूडियो के मालिक संदीप मार वाह ने उनके जो है बहनोई है और फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर और मोहित मरवा उनके भतीजे हैं जबकि अभिनेत्री जानवी कपूर उनकी भतीजी हैं और पृथ्वीराज कपूर का कपूर परिवार भी उनके रिश्तेदार है क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे और उद्धरण वांछित के बारे में हम बात करते हैं। कपूर की शिक्षा चेंबूर पूर्वी मुंबई में अवर लेडी ऑफ परपेचुअल में हुआ था और उनके साथ जो सक्सर हाई स्कूल फोर्ट दक्षिण मुंबई में सेंट जुवेलर्स कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई थी। 1984 में कपूर ने कस्टम डिजाइनर सुनीता भवनानी से शादी की जिनसे उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। उनकी बड़ी बेटी सोनम कपूर की जन्म 1985 में हुआ था, ये एक अभिनेत्री है। उनकी छोटी बेटी रिया कपूर का जन्म 1987 में हुआ था, यह एक फिल्म निर्माता है और उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर का जन्म 1990 में हुआ था, ये एक अभिनेता है। अनिल कपूर को उनके बच्चे एक कहते हैं और अनिल कपूर की रियल लाइफ में और भी ऐसी बातें छुपी हुई। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है तब जाके अपने नाम को इतना आगे बनाए। ये एक के बड़े सितारों में से एक हैं। अनिल कपूर ने कई सारे फिल्मों में अभिनय किए हैं और अभी तक 2021 तक और 22 तक जो है ये फिल्मों में ही काम कर रहे हैं। दोस्तों, बतलाएंगे इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं और इनकी कितनी फिल्में फ्लॉप हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से बतलाएंगे। अब हम यहाँ से इनकी रियल लाइफ और फिल्मी दुनिया के बारे में हम बात करेंगे।
होंगे। सबसे पहले अनिल कपूर ने 1970 में तू पायल में गीत में एक युवा शशि कपूर की भूमिका निभाते हुए फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी, यानी कि इसमें एक छोटा सा अभिनय दिखाए थे। बचपन के किरदार में नजर आए थे, शशि कपूर के बचपन के किरदार को इन्होंने निभाया था और ये फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हुई थी। 1980 का दशक में संपादित करें, अनिल कपूर ने अपनी हिंदी फिल्मों की शुरुआत उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे 1979 से की थी। इस फिल्म में छोटी सी भूमिका इनकी थी और इसके बाद उन्होंने 1980 की तेलुगु फिल्म वामसा वृक्षम में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अभिनय किया था, जिसका निर्देशन अनुभवी बापू ने किया था। और उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में एक बार कहो और हम पांच में भी दिखाई दिए थे। 1981 में वह M.S. सत्यु की कहानी कहां से गुजर गया में दिखाई दिए थे और शक्ति 1982 में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मणि रत्नम की पल्लवी अनुपल्लवी 1983 से कन्नौट फिल्म की शुरुआत की और उन्होंने वह सात दिन 1983 में अपनी पहली हिंदी फिल्म की प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे बापू ने निर्देशित किया था और इसमें पद्मिनी कोल्हापुर और नसीरुद्दीन शाह ने अभिनय किए थे। उन्होंने बॉलीवुड में यश चोपड़ा के नाटक मसाला 1984 के साथ जो है टपोरी के रूप में पहचान हासिल की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार इन्होंने जीता। उनका टपोरी व्यक्तित्व और साथ ही ठूठदार रूप उसका जो है समय और साथ ही अपरंपरागत माना जाता था। अनिल कपूर ने लेकिन कई वर्षों बाद जो है भारत में यह फैशन लेवल बन गए थे और अनिल कपूर की 1985 की रिलीज मूवी में युद्ध और साहेब शामिल थे। युद्ध ने उन्हें अपनी प्रतिष्ठित पंक्ति एकदम यानी कि झकास का उच्चारण करते हुए दिखाया, लेकिन यह मेरी जंग मूवी थी 1985 में जो रिलीज हुई थी, जिसमें जो है उन्होंने न्याय के लिए लड़ने वाले एक नाराज युवा लड़की की भूमिका एक वकील की भूमिका इस फिल्म में निभाई थी, जिसने जो है उन्हें फिल्म फेयर में अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिया गया था। इसीलिए 1985 में अनिल कपूर की सभी फिल्मों को देखा गया और पसंद भी किया गया था। वह वास्तव में उद्योग में आ गए थे। अनिल कपूर ने साल की सबसे बड़ी हिट मूवी कर्मा फिल्म में अभिनय किया था, जिसे 1986 में यह मूवी रिलीज हुई थी और इस फिल्म में फिर से एक कॉमिक टपोरी की ही भूमिका निभाई। इसके अलावा 1986 में कपूर ने फिरोज खान के सह अभिनीत हिट यानी कि जंगबाज फिल्म में दिखाई दिए थे। जंगबाज में एक लापरवाह प्ले बॉय की भूमिका निभाई थी। कपूर के 1986 की रेखा के साथ यानी इंसाफ की आवाज़ की अन्य रिलीज मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और उसी वर्ष यानी कि बसु चटर्जी ने चमेली की शादी का निर्देशन किया और उन्होंने कॉमेडी में अपनी यानी कि चकाचौंध का प्रदर्शन किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लोफर फिल्म को, जिसे 1996 में रिलीज किया गया था और हम बातें कर रहे हैं अनिल कपूर सर के रियल लाइफ के बारे में। इन्होंने इस फिल्म में अहम किरदार को निभाए हैं और अनिल कपूर की दर्जनों फिल्म फ्लॉप होने के बाद इन्होंने काफ़ी ऐसे फिल्मों में दोबारा काम किए जो कि हिट हुए और इनसे इनको काफ़ी ज़्यादा नाम हुई। मेरी जंग पहली फिल्म है इनकी रियल लाइफ की, इनकी जिंदगी की वो पहली फिल्म है जिसके वजह से इनको पहचान मिली और इनके फिल्मों को लोग जो है देखना शुरू कर दिया। अब अगली बार शेखर कपूर की विज्ञान कथा फिल्म मिस्टर इंडिया में इन्होंने अभिनय किया। इस फिल्म को 1987 में अनिल कपूर की शीर्षक भूमिका थी, जो कि वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें जो है सुपरस्टार का दर्जा दिया गया था। महेश भट्ट निर्देशित फिल्म जो है यानी कि ठिकाना में अनिल कपूर भी उतने ही प्रभावशाली थे जितना कि 1988 में उन्हें 1988 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब में उनके प्रदर्शन के लिए उनके पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से उनको जो यानी कि पुरस्कृत किया गया था। उसी वर्ष उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित एक एक्शन ड्रामा कसम रिलीज मूवी भी हुई थी और राम अवतार और विजय जैसी फ्लॉप फिल्मों में भी अनिल कपूर ही एकमात्र यानी कि बचतकर्ता साबित हुए थे। अगले वर्ष उन्होंने राम लखन फिल्म में अभिनय किया, जो 1989 में बॉक्स ऑफिस पर दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गया था और गीत 1, 2 का 4 के साथ दिया गया था। फिल्म परिंदा में कपूर ने दृढ़ और विश्वास के साथ जो है अपनी भूमिका निभाई और उनकी सबसे बड़ी यानी कि उपलब्धि उनके चरित्र के यानी कि भेक्ता को पूरी तरह से प्रदर्शित करना था। रखवाला फिल्म में अनिल कपूर ने फिर से एक टपोरी की ही भूमिका निभाई और फिल्म को सफल घोषित किया गया था।
अनिल कपूर ने 1989 की फिल्म ईश्वर में एक यानी कि आतिश टीक की व्यक्ति के अपने चित्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इसी फिल्म ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया था। 1990 के दशक के बारे में हम बात करें तो 1990 में उन्होंने अत्यधिक सफल किशन कन्हैया फिल्म जुड़वा भाइयों के रूप में दोहरी भूमिका निभाई और उसी वर्ष उन्होंने घर हो तो ऐसा के साथ जो है बॉक्स ऑफिस पर उचित सफलता प्राप्त की थी। अवार्गी में कपूर समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के साथ कई आलोचकों ने कहा कि उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, लेकिन फिल्म बीओ में फ्लॉप हो गई थी और साथ ही उनके साथ जो है जमाई राजा और जीवन एक संघर्ष जैसी फिल्मों में दोनों ही दक्षिण रिमेक प्रमुख फ्लॉप रही थी। 1990 के रूप में यह मूवी उनके करियर में एक झटका फिल्म साबित हुआ था और ये भी माना जाता था कि अनिल कपूर को बॉलीवुड में नंबर एक का ताज पहनाया जाता था, लेकिन इन फ्लॉप फिल्मों के साथ अनिल कपूर का बुरा हाल था और उसके बाद यश चोपड़ा के इंटरजेनरेशन म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा लम्हे मूवी एक माध्यम आर्य वर्ग के व्यक्ति के रूप में एक यानी कि सीमित अभी तक की यानी कि उनके साथ जो है हड़ताली प्रदर्शन किया गया था और जिसमें श्रीदेवी के साथ उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, जो कि भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म थी और यश चोपड़ा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ काम था और यह पहली फिल्म थी जिसमें वह बिना यानी कि मूंछों के नजर आए थे। हालांकि यह फिल्म भारत में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, लेकिन यह विदेशों में भी सफल साबित हुई थी और अनिल कपूर की 1991 के रिलीज यानी कि बेनाम बादशाह के टिकट जो यानी कि खिड़की पर औसत से नीचे का दर्जा प्राप्त किया था। इसी तरह अनिल कपूर ने कई सारे फिल्मों में अभिनय किए और इस फिल्म में इन्होंने बगैर मूंछ के अभिनय किए हैं और ये इनका यानी कि हिस्ट्री में और इनकी रियल लाइफ में ये पहला फिल्म है जिसमें इन्होंने बगैर मूंछ के अभिनय किया है। दोस्तों इस वीडियो में हम अनिल कपूर की रियल लाइफ को बता रहे हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैन हैं, इनके मूवीज को आप देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लोफर फिल्म को जिसे 1996 में रिलीज किया गया था। ये मूवी आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब 1992 में कपूर को इंदिरा कुमार की बीटा में उनके कठिन प्रदर्शन के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। माधुरी दीक्षित के साथ वर्ष की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म खेल में अपने हास्य अभिनय से कपूर बेहद प्रभावशाली हुए थे और उनकी कॉमिक टाइमिंग फिल्म की मुख्य विशेषताओं में से एक थी। 1993 में बोनी कपूर का बहुप्रतीक्षित मेगा बजट रूप की रानी चोरू का राजा बॉक्स ऑफिस पे एक अपादा फिल्म और उसी समय उद्योग के सबसे यानी कि बड़े स्टार के रूप में कपूर की प्रतिष्ठा को उनके साथ नुकसान पहुंचाना था और इन्हीं वर्षों में एकमात्र बड़ी सफलता मूवी नितिन और साथ ही मनमोहन द्वारा निर्मित फिल्म श्रीदेवी के साथ फिर से जो है यानी कि लाडला मूवी थी और कपूर ने हिट संगीत मूवी 1942 ए लव स्टोरी में एक यानी कि साधारण प्रेमी के रूप में एक शानदार प्रदर्शन दिया था। उनकी 1995 की रिलीज मूवी त्रिमूर्ति बॉक्स ऑफिस पर एक अपादा फिल्म साबित हुई थी। हालांकि कपूर का प्रदर्शन विश्वसनीय था और औसत कलाकार यानी कि घरवाली बाहरवाली में कपूर ने अच्छा प्रदर्शन किया था। बॉक्स ऑफिस के बारे में हम बातें करें तो अनिल कपूर की मूवी कुछ यानी कि असफलताओं के बाद उन्हें जूही चावला के साथ लोफर फिल्म 1996 में उन्हें जो है फिर से रिलीज किया गया था। 1996 जैसी फिल्मों में सफलता मिली। जुदाई में कपूर धारा अपनी दो पत्नियों के बीच फटे एक प्यार करने वाले पति के चित्रण की सराहना की गई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। दीवाना मस्ताना ने 1997 में बीबी नंबर वन ने और 1999 और हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म 1999 बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। ताल जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया जिसे 1999 में एक उत्साही शादी जो है कुटिल संगीत पुरस्कार के कपूर के उनके साथ जो है असामान्य चित्रण ने प्रदर्शन किया था। इनके चित्रण ने दर्शकों और आलोचकों दोनों को समान रूप से चौंका दिया था। उन्होंने तमिल फिल्म और साथ ही थेवर मगन मूवी 1992 की साथ ही रीमेक के विरासत में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए खूब उनके साथ जो है इनकी समीक्षाएं हासिल की थी जिसमें उन्होंने कमल हसन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने जूही चावला के साथ जो है असफल झूठ बोलो कौवा काटे में भी अभिनय किया जो कि फिल्म निर्माता और साथ ही हृषिकेश मुखर्जी की आखिरी व्यावसायिक रिलीज मूवी थी। उन्होंने
उन्होंने फिल्म के सेकेंड हाफ के लिए एक बार फिर जो है अपनी मुँह से मुड़वा ली थी। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं अनिल कपूर सर की फिल्म को। इस फिल्म का नाम है लोफर और आज की इस वीडियो में हम लोफर फिल्म की कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे और अनिल कपूर सर की रियल लाइफ को इस वीडियो में हम बतला रहे हैं। अनिल कपूर ने अब तक जो है सैकड़ों फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किए हैं और इन्होंने अब तक कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले इनको मिल चुके हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बतला रहे हैं। और इनके फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को आप देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब अनिल कपूर की 2010 की पहली रिलीज मूवी बुलंदी थी जिसमें उन्होंने बड़े ठाकुर के रूप में स्वयं दो किरदार निभाए थे और परी उनके साथ जो है परिपक्वता दिखाते हुए दोहरी भूमिका इन्होंने निभाई थी। उन्होंने सन 2000 के दशक में राजकुमार संतोषी की समीक चकोधारा प्रशंसित पुकार में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार इन्होंने जीता और अनिल कपूर ने सन 2000 के दशक में हमारा दिल आपके पास है के साथ फिर से महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता का स्वाद चखा था। अब अनिल कपूर ने राकेश रोशनधारा निर्देशित फिल्म कारोबार में राजीव के रूप में शो को चुरा लिया जहां कपूर की संवाद और अदायगी की सराहना की गई थी। उन्होंने शंकर के नायक में एक साथी पावर हाउस प्रदर्शन किया जिसे जो है कई लोगों द्वारा उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। सन 2002 में कपूर ने बधाई हो फिल्म में अभिनय किया, मोटो आदमी की एक भूमिका निभाई थी। इस भूमिका में उनको जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था और उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया जो कि हॉलीवुड हिट द न्यूटी प्रोफेसर से एक यानी कि टेक ऑफ बन जाता है और उन्होंने इंदिरा कुमार की निर्देशित फिल्म रिश्ते में एक और शानदार प्रदर्शन किया था। ओम जय जगदीश में उन्होंने एक यानी कि ऊर्ध्व प्रदर्शन दिया और अनिल कपूर ने अरमान फिल्म में पहली बार बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन साझा की और एक यानी कि न्यूरोसर्जन के रूप में अपने चरित्र को शानदार ढंग से निभाया था। अपनी 2003 की रिलीज मूवी कलकत्ता में मेल में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। उनके चरित्र को इसी पटकथा संचालित प्रदर्शन में प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त और साथ ही गुंजाइश के साथ जो है यानी कि परिभाषित किया गया था और साथ ही उनके साथ जो है मजबूत सहायक कलाकारों के बावजूद भी यह जो है वास्तव में अनिल कपूर के वन मैन शो के रूप में सामने आया था। उन्होंने समीर रेड्डी और साथ ही आदित्य पंचोली, संजय दत्त और उनके साथ जो है कोएना मित्रा के साथ जो है मुसाफिर में एक अधिकारिक प्रदर्शन के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आग लगा दी थी और ये मूवी कपूर के थ्रिलर माई और साथ ही वाइफस मर्डर में एक पीड़ित पति के रूप में अस उनके साथ जो है अविश्वसनीय रूप से सहमित प्रदर्शन किया था जिसे उन्होंने निर्मित भी किया था और साथ ही अनीस बज्मी की सुपरहिट कॉमेडी नो एंट्री फिल्म 2005 में उस साल अनिल कपूर को फॉलो किया गया था और यह फिल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। वह फिल्म बेवफा में भी नजर आए थे, एक अमीर व्यवसायी की भूमिका निभा रहे थे जिसे जो है यानी कि परसों के बाद अपनी पत्नी की बहन से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ करीना कपूर, सुष्मिता सेन ने अभिनय किए थे और ये मूवी काफ़ी बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है। बेवफा फिल्म के रिव्यू अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवीज़ रिव्यू, मूवीज़ की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। मैं अपने चैनल पर सिर्फ मूवी को रिव्यू करता हूँ और मूवी की रोमांटिक फैक्ट को ही सिर्फ बतला सकता हूँ। 2005 की थ्रिलर चॉकलेट फिल्म में अनिल कपूर ने अभिनय किया। साथ ही चॉकलेट में कपूर की चलाकी से एक ग्रे किरदार निभाए थे जो कि अनिल कपूर की 2007 की पहली रिलीज मूवी मसाला ए इश्क यानी कि ट्रिब्यूट टू लव विदेशों में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, हालांकि भारत में फ्लॉप रही और अनीस बज्मी की वेलकम जो कि 21 दिसंबर 2007 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और वर्ष की सबसे बड़ी सफलता घोषित इस फिल्म को किया गया था। सुभाष घई की ब्लैक एंड व्हाइट में कपूर के कमजोर प्रदर्शन की बहुत सराहना की गई थी। अब 2008 में उनकी पहली रिलीज मूवी अब्बास मस्तान की थ्रिलर रेस बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और विजय कृष्णा आचार्य की टसन ने यशराज फिल्म में अनिल कपूर की वापसी को चिन्हित किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में ये मूवी विफल रही थी।
उनकी सबसे हालिया फिल्म उनकी पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म थी। साथ ही उनके साथ जो है इनके स्लम डॉग और साथ ही मिलीनियर में थी, जो कि 12 नवंबर 2008 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। और युवराज जो कि 21 नवंबर 2008 को रिलीज हुई थी। युवराज फिल्म सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ जो है मुख्य भूमिकाओं में इस फिल्म में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहे थे। और साथ ही उनके साथ जो है टिकट और खिड़की पर जो है दूसरी, और साथ ही उनके साथ जो है सलमान डॉग मिलीनियर में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे और आलोचकों से समीक्षा प्राप्त की है। और जिसके निर्माण में केवल यूएस में कमाई किया था 15 मिलियन की और लगत आई है, लेकिन उसने दुनिया भर में 352 मिलियन से अधिक की कमाई की। इस फिल्म को 15 मिलियन की बजट में बनाया गया था और 352 मिलियन से अधिक की कमाई की है। जनवरी 2009 में उन्होंने साथ ही जो सलमान डॉग और साथ ही मिलीनियर की टीम के साथ 66वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में भाग लिया, जिनसे 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार इन्होंने जीते। सलमान डॉग धारा सर्वश्रेष्ठ चित्र और 8 पुरस्कारों में से एक के लिए उनके साथ जो है अकादमी पुरस्कार जीतने के बाद अनिल कपूर के अपने प्रसिद्ध यानी कि उत्साह का प्रदर्शन किया है। उन्हें 2008 के ब्लैक के रिल और साथ ही अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए नामांकन भी मिला है। और साथ ही मोशन पिक्चर में एक कलाकार धारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स की गिल्ड अवार्ड भी इन्होंने जीता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं अनिल कपूर सर की फिल्म को। इस फिल्म का नाम है लोफर। और इस वीडियो में हम लोफर मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बतला रहे हैं और अभी इस फिल्म के स्टार कास्ट को हम रिव्यू कर रहे हैं और अनिल कपूर सर के बारे में कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप लोग इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब 2010 में अनिल कपूर ने अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला 24 के 8वें सीजन में अभिनय किया, जिसमें काल्पनिक इस्लामिक यानी कि रिपब्लिक ऑफ द कमिस्तान के अध्यक्ष उमर हसन की भूमिका इन्होंने निभाई। उसी वर्ष के अक्टूबर में उन्हें मिशन और साथ ही इम्पॉसिबल घोषित किया गया था। प्रोटोकॉल दिसंबर 2011 में जारी हुई थी और पावर दोनों में एक खलनायक की भूमिका निभाने के लिए कास्ट इनको किया गया था। शक्ति का निर्देशन राजकुमार संतोषी द्वारा किया जाना था, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे जो यानी कि स्थगित कर दिया गया था। अन्य परियोजनाओं के बारे में हम बातें करते हैं, उनके पास जो वर्तमान में साथ ही पाइपलाइन में है और उनमें से यानी कि सिटीज और साथ ही क्लाइव ओवेन और उनके साथ ऑरलैंडो ब्लूम की शो अभिनीत एक जो है हॉलीवुड परियोजना बन गई है। मिस्टर इंडिया 2 नो एंट्री की अगली कड़ी रेस 2 और साथ ही संजय गुप्ता की शूट आउट 1 यानी कि वडाला शामिल है। उन्होंने खिलाड़ी 786 के लिए भी हस्ताक्षर किए थे, जो कि दिसंबर 2012 में रिलीज हुई थी, लेकिन अंततः इसमें दिखाई नहीं दिए। अनिल कपूर की 2012 की एकमात्र रिलीज मूवी तेज ने उन्हें आलोचकों से अनुकूल समीक्षा दी। तरुण आदर्श ने लिखा है कि अनिल कपूर को पर्दे पर देखना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अभिनेता अतीत में कई फिल्मों का अभिनय हिस्सा रहे हैं और आप उन पर जो है खुद को दोहराने का आरोप भी नहीं लगा सकते। इसके अलावा वह अपने शुरुआती दौर में हो सकते हैं और 50 के दशक के यानी कि 50 के दशक, लेकिन इसने अनिल कपूर को हाई और साथ ही एक्शन स्टंट को फलने फूलने से नहीं रोका था। और साथ ही शूट आउट 1 यानी कि वडाला में उनके प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा अत्यधिक सराहा गया था। हिंदू के सुदेश कामत ने लिखा है कि अनिल कपूर प्रथम श्रेणी के हैं और एक गैर बकवास पुलिस के रूप में एक दर्जी की भूमिका में साथ ही रहस्य उद्घाटन के हमें जो है उसी पुरस्कार की याद दिलाता है जो कि हुआ उसी की अस्सी के दशक में हुआ करता था। जनवरी 2013 में अनिल कपूर विशेष खंड के लिए आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने। साथ ही टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इन साथ ही कन्वर्सेशन 1 यानी कि समान, जो कि काफ़ी काम करने वाले अभिनेताओं के लिए साथ ही जो अर्चित है और वह वर्तमान में कब भारतीय और साथ ही रिमेक श्रृंखला में 24 में जय हिंद और साथ ही राठौर की भूमिका इन्होंने निभाई थी। सितंबर 2015 में अनिल कपूर ने आगामी एंग्री वर्डर्स और साथ ही फ्रेंच जो है टूर्नामेंट में चैंपियनशिप फॉर अर्थ के विज्ञापन में खुद के रूप में उपस्थित दर्ज कराई थी और अमेजन ने अनिल कपूर को अपने पायलट द बुक ऑफ यानी कि एस्ट्रेज न्यू साथ ही जो है थिंग्स में लिया है। उदाहरण वंचित हुआ जो है यानी कि ओएसएस पर जो है देश के अधिकारिक प्रमुख विक्रम
दानिश की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे और अनिल कपूर ने करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म यानी कि तख्त में भी अभिनय करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है, जो कि एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसमें कलाकारों की टुकड़ी रखी जाएगी, जिसमें रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और उनके साथ जो भूमि पेडनेकर और विक्की कौशल इस फिल्म में शामिल होंगे। इस मूवी को 2022 तक रिलीज किया जाएगा और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है जो इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लोफर फिल्म को। मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारे YouTube चैनल पे मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इस फिल्म को हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं लोफर फिल्म को। इस मूवी को 1996 में रिलीज किया गया था और 1996 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। अब 2002 में अनिल कपूर ने अपनी पहली फिल्म कॉमेडी बधाई हो फिल्म में काम किया। कॉमेडी बधाई हो बधाई का निर्माण किया था जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था और इसके बाद माई वाइफ मर्डर मूवी 2005 और गांधी माई फादर 2007 जैसी फिल्मों में अभिनय किया और साथ ही आई गांधी माई फादर ये मूवी महात्मा गांधी और उनके बेटे हरिलाल गांधी के बीच जुड़े संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और विशेष यानी कि उल्लेख से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अक्षय खन्ना और अरशद वारसी अभिनीत फिल्म यानी कि शॉर्ट कट द कॉन इंज ऑन का जो है निर्माण किया। इसे 2010 में उन्होंने आयशा और 2010 फिल्म का निर्माण किया था जिसमें जो है उनकी बेटी सोनम कपूर और अभय देओल मुख्य भूमिकाओं में थे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में मामूली प्रदर्शन करते हुए यानी कि काफ़ी कम रुपए की कमाई की थी और 155 मिलियन ही कमाई किए थे। उन्होंने अमेरिकी टीवी की सफलता 24 के रीमेक अधिकार हासिल कर लिए हैं और कथित तौर पर जो है यानी कि INR 1 बिलियन की राशि के लिए लोकप्रिय टीवी शो को भारतीय संस्करण को बनाने के अधिकारों को उनके साथ जो है लाइसेंस देने में उन्हें जो है लगभग 1.5 साल लग गए थे। अनिल कपूर नायक यानी कि जैक बाउर की भूमिका में भी कदम रखेंगे और साथ ही फॉक्स नेटवर्क पर जो है प्रसारित मूल सीरीज के 8वें सीजन में अनिल कपूर ने राष्ट्रपति यानी कि हसन की भूमिका निभाई थी। अनिल कपूर ने एक गायक के रूप में अपनी फिल्मों के साउंड ट्रैक में दुर्लभ यानी कि अवसरों पर योगदान दिया है। उनके पहले साथी गीतों में से एक 1996 की बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी का शीर्षक यानी कि ट्रैक था। यह गीत जो है यानी कि प्रकृति में हास्यपूर्ण था और इसमें अनिल कपूर द्वारा अभिनीत चमेली और उसके प्रेमी यानी कि चरण दास की प्रेम कहानी को दर्शाया गया था। चमेली का किरदार अमृता सिंह ने निभाई थी। उसी दशक में उन्हें जो है फिल्मों या 7 दिनों के लिए तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं गीत पर जो है श्रेय दिया गया था। उन्हें हमारा दिल आपके पास है गीत के आई लव यू पर भी श्रेय दिया गया था और 2008 में अनिल कपूर ने यशराज के टशन में अपने चरित्र को पेश करने के लिए एक तुकबंदी समान संवाद प्रदान किया था और उनकी थीम का शीर्षक यानी कि भैया जी का प्रसन्न था और फिल्म में उनके सह कलाकारों ने भी अपने परिचय को साउंड ट्रैक में शामिल किया था। इसे जो है विशाल शेखर ने संगीतबद्ध किया था और अक्षय कुमार की थीम थी कि बच्चन, पांडे का प्रसन्न करीना कपूर की थी और साथ ही पूजा का प्रसन्न सैफ अली खान को जिम्मा यानी कि जिम्मी का प्रसन्न के लिए श्रेय दिया गया था। 1996 में सलमा आगे के सातवें सह गायक के रूप में उनका एक पूर्ण एल्बम यानी कि वेलकम था और एल्बम को बप्पी लहरी ने बनाया था। दोस्तों, इन बातों से ये भी पता चलता है कि अनिल कपूर सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि सिंगर भी है और कई सारे गानों को बनाया भी है और 1-2 गाने ये गाए भी है। अपने शुरुआती दौर में काफ़ी सारे मेहनत करने के बाद इन्होंने कई सारे ऐसी फिल्मों में अभिनय किए थे जो कि हिट नहीं हुए थे, लेकिन इस एक दशक के बाद इन्होंने काफ़ी ऐसे सारे फिल्मों में अभिनय किया जो कि सुपरहिट एंड ब्लॉकबस्टर भी हुए। इनको सबसे पहले मेरी जंग फिल्म के लिए पुरस्कार मिला था और उस फिल्म के बाद इनको जो है लोग पहचानना स्टार्ट
कर दिया था और इनको फिल्में जो है लोग जो है देखना शुरू कर दिए थे। और अनिल कपूर ने अब तक जो है कई सारे सैकड़ों फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इनको दो जो है नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है और भी कई सारे अवार्ड इनको जो है मिले हैं अब तक। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस फिल्म के एक और स्टार कास्ट के बारे में जिनका नाम है जूही चावला और इनके बारे में बतलाएंगे इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय की है और इनको अब तक कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। दोस्तों बतलाएंगे इनके बारे में काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जूही चावला इज बोर्न 13 नवंबर 1967 इज द इंडियन एक्ट्रेस फिल्म प्रोड्यूसर एंड वेंटर पार्टनर आफ्टर द विनिंग द 1984 मिस इंडिया एंड ब्यूटी पेजेंट सी द एंड स्टीव ब्लेशेट द हेयर सेल्फ एज वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ द हिंदी सिनेमा फ्रॉम द लेट द 1980 इज द थ्राउ द एंड ईयरली 2000 इज द एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर द इनकमिंग द टॉमिंग एंड द एंड विवा क्विज ऑन स्क्रीन द प्रोसन सी द एंड रिसिपियंट ऑफ द एंड सेवेरियल द इन अक्लूडिंग इनक्लाउडिंग टू फिल्म फेयर अवार्ड। जूही चावला मेड हेयर द एक्टिंग डेब्यू आउट विद द एंड ब्राइव द एन अपेरेंस इन द फिल्म सुल्तान फिल्म सल्तनत 1986 एंड हेड हेयर द एंड ब्रेक रूल द रोल इन द एंड ट्रैगिक द रोमांस फिल्म क्यामत से क्यामत तक इन 1988 विद द अर्नेड हेयर द एंड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू आउट सी द एंड प्रो प्लेड हेयर करियर फॉरवर्ड विद द स्टारिंग रोल इन द लुटेर मूवी 1993 एंड आईना फिल्म 1993 एंड डॉर मूवी 1993 एंड हम है राही प्यार के 1993 फोर वी सी वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस एक्टर इन लुयर द एंड पेस फादर सक्सेस द कॉम विद द यू कॉमेडी फिल्म द दीवाना मस्ताना 1997 एंड यश बोस 1997 एंड इस मूवी 1997 द फ्रिंग द एंड डिसाइडेड द जूही चावला वॉज द विलिंग टू प्ले द अगेंस्ट टाइप द एंड बिगेन वर्किंग विद द एंड इंडिपेंडेंट द फिल्म मेकर इन आर्ट हाउस द एंड प्रोजेक्ट द जेनरिंग क्रिटिकल A climate for the performance in the end, in the end, Jhankar Bet 2003 and 3 and the end, Diwar ne in the end, Diwar Rain 2003, My Brother Nikhil 2005 and Aam 2011 and Gulab Gang movie 2014 and more over she started in the several Punjab film including the end, Biopic the end, Shahab Udham Singh 2000 and Desh Ho Ya Pardesh 2004 and Warish Shah इश्क द वारिस 2006 एंड द एंड सुख मनी होप फॉर लाइफ 2010। जूही चावला हैज बीन द मैरिड टू द इंडस्ट्रियल जय मेहता सिंस द 1995 विद द एंड वुमेन सी हैज टू द एंड चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद हेयर हस्बैंड एंड शाहरुख खान सी इज द को एंड ऑनर ऑफ द इंडियन प्रीमियर लघवी क्रिकेट टीम कोलकाता किंग राइडर्स अलॉन्ग विद एंड शाहरुख खान सी को द एंड फाउंडेड टू द एंड प्रोडक्शन company Dreamers Unlimited with the producer 3 film starring with the and third the self starring film Phir Bhi Dil Hai Hindustani Sun 2000 and the among here the and television work she was the and talent the and Judgi and the and third season of the dance reality show Jhalak Dikhla Ja. Juhi Chawla was born 13 November 1967 and resided in the in Ambala Haryana India. Her father was an officer of officer of the Indian in Revenue Service IRS the and completed here the schooling for the and convent school Bombay in present day Mumbai in the and graduate from the and Sandy graduated the in Sandin Naham College Bombay and Chawla was the winner of the Miss India title in 1984 she also won the best the and costume award of the Miss Universe the and contest in the 1984. जूही चावला वेंटेड इंटू फिल्म विद द 1986 द सल्तनत बट इट टर्नेड आउट बी द एन कॉमरिकल फेलर सी वांट ऑन टू एक्ट इन द एन कनाडा क्लासिक द एन प्रेम लोक मूवी डायरेक्टेड बाय द एंड रवि चंद्रन इन 1987 सी अल्सो द स्टारेड अपोजिट द एन प्रोसेनजीत चटर्जी इंटू फिल्म हेयर फ्रॉस द मेजर रोल इन बॉलीवुड वॉस इन क्यामत से क्यामत तक इन 1988 इन वी सी स्टारेड विद आमिर खान द फिल्म इन मॉडर्न डे इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द एंड सेक्सी पेयर द एंड रेमियो एंड रोमियो इन जूलियट वॉज बोट इन मेजर द क्रिटिकल एंड कॉमरिकल सक्सेस
सुबीत द एंड आमिर खान एंड जूही चावला बिकमिंग द एन ओवर नाइट इन स्टार इट इज वन द एन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एंड जूही चावला बिकम द फर्स्ट एक्ट्रेस टू विन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर also the receiving here for the nomination for best actress Juhi Chawla in Preening with the Aamir Khan in the theater on screen the chemistry was apparent the end credited by the media as the successful the film has the end since the end attending the end clout started with the Times of India ranking the end among is the top 25 must see Bollywood film in Kaling is the one of the India mark film out of the Hindi cinema and crediting it is the with the making Aamir Khan and Juhi Chawla in husband the name it the end Prem Makuru and Vishwas of the first post Varun the end inter positive review Juhi Chawla with here the end Flonis is the end changery and pop in passive but the end assertive the end demeanor was the end early the end pro in the predecessor for the end the six wali the liberated the Bollywood heroines of today she wore the in were what the end wanted when the intended or the in relationship with the main she and teacher in 19 is the star in the entry in the Pratibhan she also the received here the second best actress the nomination for the film fair for the film here the and other release the year the including the female drama Swarg along with the Rajesh Khanna and Govinda which the market the first the several collaboration with the director David Dhawan in 1992 see the and appeared in Bol Radha Bol movie alongside Rishi Kapoor for with the received here the first film fair nomination Bol Radha Bol movie alongside Rishi Kapoor for the with the received here the and third film fair nomination for the best actress the later that year see the appeared in the Aziz Mirza comedy Raju Ban Gaya Gentleman the first of main collaboration with the actor and business partner Shahrukh Khan in 1993 Juhi Chawla appeared in the end film here first the release was the and looted movie directed by Dharmesh Darshan and starring Sunny Deol Nasiruddin Shah Chunky Pandey and Anupam Kher she played the ek dusre ke bina khush nahi hai aapas mein वो आखिरकार कैब यानी कि ड्राइवर के साथ गलत ड्राइवर के साथ गलत कॉल पर जो है बचपन में यानी कि बनाई गई एक धुन जो है सुनकर उसे एक धुन सुनकर उसके यानी कि ठिकाने का पता चलता है और साथ ही उनके साथ जो है कैब ड्राइवर का कहना है कि लोकेशन एक यानी कि म्यूजिक फेस्ट का है लेकिन एक गली का ठग उसका फ़ोन चुरा लेता है और इसीलिए वह जुन्नू के साथ जो है सुलह करने के लिए इसे वापस पाने के लिए निकल पड़ता है एक फ्लैश बैक में यह बताया जाता है कि सरोजनी और प्रकाश के साथ एक यानी कि खुशहाल परिवार के रूप में सीनू अविनाश की यात्रा का पता चलता है अविनाश का यात्रा का पता चलता है जुन्नू प्रिया दिल्ली में सीनू के बारे में सोचकर यानी कि दुखी होती है और उसे पता चलता है कि उसके पिता का यानी कि स्थानांतरण संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जा रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले वह हैदराबाद में सीनू को खोजने और अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने के बारे में सोचती है और एयरपोर्ट पर अपनी माँ को लेने के दौरान जो है अविनाश प्रिया को देखता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता है और बाद में प्रिया और अविनाश फिर मिलते हैं जब प्रिया गरीब गली के बच्चों को 100 रुपए बांट रही होती है तो शादी में मिलते हैं दोनों लेकिन प्रिया युवा सीनू की याद जो है दिलाती है और भाग जाता है वहां से अविनाश उसका पीछा करता है और गलती से चूड़ी तोड़ देता है जिसे जो है सीनू ने उपहार में दिया था वह बचपन में दोस्त थे और उसे बहुत यानी कि प्रिय थे वो चूड़ी और इससे नाराज होकर प्रिया ने अविनाश को थप्पड़ मार दिया लेकिन ये पता नहीं होता है कि अविनाश ही वो शख्स है जिसने मुझे ये चूड़ी बचपन में दिया था दोस्तों ये दोनों आपस में अंत में फिल्म के अंत में मिलते हैं और जहाँ पे ये मूवी की कहानी समाप्त होती है और खबरों के हवाले से ये कहानी निकल के आए हिंदी डब में दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को 30 करोड़ के बजट में बनाया गया था और मूवी ने दुनिया भर में 30 करोड़ से अधिक की कमाई किया है फ्रेंड अब बात करते हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर नागा अर्जुना सर के बारे में जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और इन्होंने अब तक कई सारे बॉलीवुड एंड टॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं इनके जन्म के बारे में हम बात करें तो 29 अगस्त 1959 में इनका जन्म हुआ था और ये
62 साल के हो चुके हैं। दोस्तों बता दें नागा अर्जुना जो कि एक बहुत ही बड़े अभिनेता है जिनके बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्रेंड हम यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो में बतला रखा है। इनका जन्म 1989 में हुआ था। उन्होंने मणि रत्नम द्वारा निर्देशित की गई रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो है गीतांजलि में अभिनय किया था सबसे पहले, जिसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार इनको दिया गया था। अगले वर्ष उन्होंने राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित की गई एक एक्शन ड्रामा फिल्म ब्लॉकबस्टर शिव में अभिनय किया, जिसका भारत के 13वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रिया यानी कि प्रीमियर हुआ था। और 1990 के दशक में उन्होंने शिवा के हिंदी रिमेक से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उन्होंने जीवनी फिल्म में उनके कामों के लिए जाना जाता है। उन्होंने साथ ही अन्ना माया फिल्म 1997 में अभिनय किया, जिसे 15वीं शताब्दी के संगीत का जो अन्ना यानी कि अन्ना मार्चिया अग्नि वर्षा मूवी, जिसे 2002 में रिलीज किया गया था। और यूक्री फिल्म जो है यानी कि तस्वीर और साथ ही भरद्वाज के पुत्र युद्ध फिल्म जो है यानी कि एलओसी में इन्होंने अभिनय किया। एलओसी कारगिल फिल्म में मेजर यानी कि पद्मा पनी आचार्य की भूमिका निभाई थी फिल्म के अंदर, जिसे 2003 में काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था। साथ ही 2006 में 17वीं सदी के संगीतकार जो है यानी कि कंचेरला गोपन्ना राजना फिल्म 2011 में दिखाई दिए थे और साथ ही सुडाला फिल्म में दिखाई दी और 2013 में चंडा लूडू फिल्म और ओम में यानी कि ओम में हतीराम और भौजी नगो फिल्म में दिखाई दिए थे। 2013 में उन्होंने बॉलीवुड के रमेश सिप्पी और विशाल जो है भरद्वाज के साथ दिल्ली फिल्म जो है महत्व शो के भारतीय सिनेमा के 100 साल के उस शो में दक्षिण भारत के सिनेमा का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। जो 1995 में उन्होंने साथ ही सेशल्स में एक जो है प्रोडक्शन यूनिट के संचालन के साथ जो है फिल्म निर्माण में कदम रखा और एमी पुरस्कार विजेता फिल्म जो है यानी कि एनिमेशन कंपनी हॉट एनिमेशन के सह निर्देशक थे। नागा अर्जुना प्रोडक्शन कंपनी यानी कि अन्नापूर्ण स्टूडियो के मालिक है। वह हैदराबाद स्थिति और साथ ही ग्रेजुएशन की लाभकारी फिल्म स्कूल और अन्नापूर्ण इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फिल्म एंड यानी कि मीडिया के अध्यक्ष हैं। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम हेलो फिल्म को एक्सप्लेन कर जिसका हिंदी में शीर्षक तकदीर रखा गया है। तकदीर नाम से इस फिल्म को यूट्यूब पे रिलीज किया जाएगा। आरकेडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग इस मूवी को हिंदी डब में देख सकते हैं। आपको बता दें हम यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप पहली दफ़ा हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की मूवी को अपलोड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को यहाँ पे बतलाता हूँ। एकेनिनी नागा अर्जुना का जन्म 29 अगस्त 1959 को मद्रास में हुआ था जो चेन्नई में पड़ता है। एक तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ। अनुभवी अभिनेता एकेनिनी नागेश्वरा राव और उनकी पत्नी जो अन्नापूर्ण के घर में इनका जन्म हुआ। परिवार बाद में हैदराबाद चला गया जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल में किया था। इंटरमीडिएट की शिक्षा ली थी और साथ ही फलवार और जूनियर कॉलेज से पढ़ाई किया था। हैदराबाद से की थी पढ़ाई उन्होंने मद्रास में अन्ना विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में यानी कि गिंडी से अपनी जो है यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक वर्ष पूरा इन्होंने किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यानी कि साथी कृष्णा मंचारी श्रीकांत उनके इंजीनियरिंग के दिनों में उनके कॉलेज के साथी पढ़ते थे और उन्होंने यपिनसलती में बीएस और साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूर्वी और साथ ही मिशिगन विश्वविद्यालय अर्जित इन्होंने किया था। फरवरी 1984 में उन्होंने लक्ष्मी दगुबती से शादी की थी जो एक यानी कि प्रमुख फिल्म निर्माता डी राम नेडू की बेटी थी और अभिनेता वेंकटेश और निर्माता यानी कि सुरेश बाबू की बहन है। लक्ष्मी और नागा अर्जुना का एक बेटा है अभिनेता नागा चैतन्य का जन्म जो है 23 नवंबर 1986 को हुआ था। हालांकि 1990 में दोनों का तलाक हो गया था। नागा अर्जुना ने 11 जून 1992 को अभिनेत्री अमला से शादी की और इसी जोड़े का एक बेटा है अभिनेता अखिल है जिन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया जिसका रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं हेलो फिल्म का। ये हेलो फिल्म में जो अभिनय है जो अभिनेता वो इनके बेटे हैं जिसका जन्म 8 अप्रैल 1994 को हुआ था। मुख्य खेल के बारे में हम बात करें तो नागा अर्जुना सर ने अदूर्ति सुब्बा फिल्म में काम किया। राव धारा निर्देशित की गई 1967 की तेलुगु फिल्म जो है यानी कि सुंदी गुडलू मूवी में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू किया था। वह श्री
हुआ श्री श्री धारा लिखित के फिल्म जो है कि वेलुगु और साथ ही निडालु में एक शिशु के रूप में दिखाई दिए थे। दोनों फिल्मों में उनके पिता एकीनेनी नागेश्वर राव जो है मुख्य अभिनेता थे। एक कई वर्ष बाद उन्होंने भी साथी मधुसूदन राव द्वारा निर्देशित की गई फिल्म 1986 की तेलुगु फिल्म जो है विक्रम के माध्यम से मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें जो है कि जिसमें शोभना मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म 1983 की हिंदी फिल्म हीरो मूवी की रीमेक है। फिल्म सफल रही थी जिससे नागा अर्जुना को अच्छी शुरुआत मिली थी। बाद में उन्होंने दसारी और नारायण फिल्म राव द्वारा निर्देशित की गई मूवी जो है मजनू और मजनू जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जिसे खूब सराहा गया था। नागा अर्जुना सर को एक दिल टूटने वाले व्यक्ति के चित्रण के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली थी। उसके बाद उन्होंने संकीर्तन में अभिनय किया जो कि इलैया राजा धारा संगीत के साथ जो है नवोदित गीता कृष्णा धारा निर्देशित की गई एक औसत से कम कमाई करने वाली फिल्म थी और फिल्म को इसकी यानी कि सामग्री और संगीत के लिए काफ़ी सराहा गया था। दोस्तों आपको बता दें, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अखिल एकीनेनी की मूवी को, और इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस फिल्म को 2017 रिलीज किया गया था। इस फिल्म को अगर आप लोग हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप तकदीर नाम से हिंदी डब में देख सकते हैं। इस फिल्म को एक हफ्ते बाद YouTube चैनल पे अपलोड किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सन 1988 में उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म आखिरी पोटम फिल्म में अभिनय किया, जिसे यानी कि यंदा मूरी और वीरेंद्र नाथ द्वारा लिखित किया गया था और राघवेंद्र राव द्वारा निर्देशित किया गया था, जहां उन्होंने श्रीदेवी और साथी सुहासिनी के साथ जोड़ा गया था। इनको 1988 में उन्होंने साथी विजय शांति के साथ जानकी रामुड्डू फिल्म में अभिनय किया था। राघवेंद्र राव के निर्देशन में बनी यह फिल्म भी हिट रही थी। 1989 में उन्होंने मणिरत्नम द्वारा निर्देशित की गई रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो है गीतांजलि में अभिनय किया। फिल्म ने 1990 में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। तुरंत उन्होंने एक और सफलता हासिल की जब उन्होंने शिव को देखा था। इस फिल्म ने निर्देशक राम गोपाल वर्मा की शुरुआत की। इस फिल्म को तेलुगु सिनेमा में एक जो है कि ट्रेंड सेंटर माना जाता है और इसने जो है कि नागा अर्जुना को सुपरस्टार बना दिया था। 1990 के दशक में उन्होंने बाद में उसी फिल्म की हिंदी रीमेक के साथ जो है बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जिसका शीर्षक था शिव। यहाँ तक कि हिंदी संस्करण को भी बॉक्स ऑफिस पे भारी सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने साथी जैत्र यात्रा में अभिनय किया, इसके लिए उन्हें यानी कि आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, और उन्होंने प्रेमा युद्धा और साथी इरादु इदेरे जैसे उप यानी कि किराए के साथ जो है इसका पालन किया है। और साथ ही निर्णय के बारे में हम बात करें तो जहाँ तक उन्होंने अमला फिल्म के साथ फिर से अभिनय किया था, लेकिन यह मूवी हिट रही थी। इसके बाद नागा अर्जुना एकीनेनी ने बॉक्स ऑफिस की कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बॉक्स ऑफिस फिर जो इनकी किलर नीति सिद्धार्थ और साथ ही निर्णय जैसी हिट फिल्मों दी थी, जिसमें जो इनकी फाजिल और साथ ही प्रियदर्शन जैसे जो है इनकी पर्याप्तता निर्देशकों के साथ काम किया था। भिन्न यानी कि लिपियों के साथ जो है प्रयोग करने की उनके जो है प्रकृति के लिए नागा अर्जुना को प्यार से यानी कि सेल्यूलाइड कहा जाने लगा, वैज्ञानिक कहा जाता था उस वक्त। और बाद में रिलीज हुई फिल्म उनकी जो है कुछ यानी कि प्रमुख हिट फिल्मों में राष्ट्रपति गारी फिल्म भी इसको जो है काफ़ी ज़्यादा समर्थन किए थे, और यानी कि घराना बुलोडू और अल्लारी फिल्म जो है काफ़ी ज़्यादा हिट रहे थे जो 1994 में रिलीज हुई थी इनकी। उन्होंने महेश भट्ट द्वारा निर्देशित की गई अपनी पहली हिंदी तेलुगु द्विभाषी फिल्म जो अपराधी फिल्म में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने हेलो ब्रदर फिल्म के साथ पहली बार कॉमेडी में कदम रखा था, जो एक बड़ी हिट मूवी थी और बाद में जुड़वा फिल्म के रूप में हिंदी में रीमेक की गई थी। उनकी कई फिल्मों को तमिल में भी डब किया गया था। 1996 में नागा अर्जुना ने कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित की गई निन्ने पेलादाता में अभिनय किए थे और निर्माण किया गया था इस फिल्म को। फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
अभिनेता के लिए इनको अवार्ड मिला था। तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। अगले वर्ष नागा अर्जुना ने साथ ही अन्नायम्मा फिल्म में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने 15वीं शताब्दी के तेलुगु गायक और कवि यानी अन्नामाचार्य की भूमिका निभाई थी और इसने उन्हें उनका फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनका पहला नंदी पुरस्कार भी मिला था। इसी रोल के लिए उन्हें जो है कि नेशनल अवार्ड भी मिला था और उस वर्ष बाद में उन्होंने साथी पवरीन गांधी द्वारा निर्देशित की गई तमिल फिल्म जो है यानी कि रत्नागम में अभिनय किया। फिल्म तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और उनकी बात की रिलीज मूवी नुब्बु वास्तवानी निन्ने मूवी थी, जो कि प्रेमिष्ठा और साथी आज़ादी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हेलो फिल्म को, इसका हिंदी में शीर्षक रखा गया है तकदीर। अगर आप लोग हेलो फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस YouTube चैनल पे आप पहली दफा हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करें अभिनेता नागा अर्जुना सर के बारे में। नागा अर्जुना ने संतोषम फिल्म में अभिनय किया था, जो कि शिवमणि जैसी रोमांटिक कॉमेडी मूवी में अभिनय किया। उन्होंने 2003 में सत्यमय मूवी का निर्माण किया, जिसमें जो है उनके भतीजे सुमंत ने अभिनय किया था, जो 2004 में नागा अर्जुना की दो रिलीज हुई थी मूवी और साथ ही निन्नू नानू और मास्तवाद वाली का निर्माण जो है नागा अर्जुना द्वारा किया गया था। और साथ ही कोरियोग्राफर के बारे में हम बात करें तो लॉरेंस राघवेंद्र द्वारा निर्देशित किया गया था फिल्म को, जो 2005 में नागा अर्जुना ने सुपर फिल्म में अभिनय किया और निर्माण किया गया था। 2006 में उन्होंने श्री राम दासु फिल्म में अभिनय किया, जो उनकी दूसरी अवधि की फिल्म थी, जो 18वीं सदी की तेलुगु संत कवि पर आधारित मूवीज को बनाया गया था। ये फिल्म 18वीं सदी के तेलुगु यानी कि संत कवि पर आधारित थी और इस फिल्म के लिए नागा अर्जुना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार भी दिया गया था। अब दिसंबर 2007 में वह डॉन फिल्म में दिखाई दिए थे और एक साल बाद वह जो है यानी कि त्रिशा और साथ ही श्री हरि के साथ जो है किंग फिल्म में भी दिखाई दिए थे। 2010 में उनके पास जो है केडी और रगडा फिल्म इनकी फिल्में थी और साथ ही यानी कि गन कम मूवी 11 फरवरी 2011 को रिलीज हुई थी। इसके तमिल संस्करण का शीर्षक जो है इनकी पैनाम था। 2011 में नागा अर्जुना ने लगातार 3 फिल्में साइन की। राजना फिल्म में सबसे पहले अभिनय किया, दम रुकम फिल्म और साथ ही 3D साई फिल्म में अभिनय किया। नयन तारा के साथ उनकी अगली फिल्म जो है ग्रीकू बिरुडू मूवी था, एक सब पर यानी कि पार्क रोशन मूवी थी और उनकी अगली जो है इनकी भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक यानी कि अपादा मूवी था, जो 2014 में नागा अर्जुना ने विक्रम कुमार द्वारा निर्देशित की गई ब्लॉकबस्टर पारिवारिक फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर पारिवारिक ड्रामा मनम फिल्म में अभिनय किया था और साथ ही शोकडे चिन्नी नैना फिल्म में उनकी दोहरी भूमिका थी, जो उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। बाद में उन्होंने वामसी पेडी पेल्ली की दीर्घाषी फिल्म जो है ऊपरी में एक यानी कि आपांग की भूमिका निभाई, जो हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पे। और 2017 में उन्होंने फिल्म ओम नामो और साथ ही वेंकटेशम में एक यानी कि भक्ति की भूमिका निभाई। इसे आलोचकों से औसत यानी कि समीक्षा मिली और यह एक यानी कि अपादा साबित हुआ था बॉक्स ऑफिस पे। इसके बाद उन्होंने राजू गिरी और गधी टू नामक एक यानी कि डरावनी फिल्म में अभिनय किया था, इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत यानी कि प्रदर्शन किया था। 2018 में उन्होंने राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित की गई यानी कि निर्मित फिल्म जो है अधिकारी में अभिनय किया था, इसे आलोचकों से खराब समीक्षा मिला था। और यह नागा अर्जुना के करियर के सबसे बड़ी अपादा फिल्म बन गई। 27 सितंबर 2018 को श्रीराम आदित्य द्वारा निर्देशित किया गया मूवी देवदास नानी के साथ नागा अर्जुना की विशेषता। इसी फिल्म में जो है कि रश्मिका मंदना और आकांक्षा सिंह ने अभिनय किया और मध्य यानी कि सफलता हासिल की थी। फ्रेंड, आपको बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हेलो फिल्म को। अगर आप लोग हेलो फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं हिंदी डब में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करें नागा अर्जुना एक ही नैनी के बारे में। बता दे, अगर आप इनके फैन हैं, इनके मूवीज को आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पे आप पहली दफा हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नागा अर्जुना सर ने 2009 में यानी कि सोप ओपेरा फिल्म में अभिनय किया था, जो युवा के साथ जो है एक यानी कि टेलीविजन निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की थी। स्टार नेटवर्क को बेचे जाने से पहले वह टेलीविजन चैनल मार टीवी के एक प्रमुख यानी कि शेयर धारक थे और नागा अर्जुना ने नेहू वन टेस्ट यानी कि टू बी अम में
मिलेनियर के भारतीय तेलुगु भाषा संस्करण की मेजबानी की है। शीर्षक मिलो और साथी इवारू जी कुटेश्वरु। शो का पहला सीजन जो है 9 जून 2014 से 7 अगस्त यानी 2014 में, और साथ ही साथ जो है 40 एपिसोड तक जो है कि एमए टीवी पर प्रसारित किया गया था। दूसरा सीजन के बारे में हम बात करें तो दूसरा सीजन भी 9 दिसंबर 2014 से 27 फरवरी 2015 तक जो है रिलीज किया गया था और 55वें एपिसोड तक जो है कि एमए टीवी पर दिखाया गया था, जो कि 2015 में उन्हें यानी कि TV5 बिजनेस यानी कि लीडर्स अवार्ड समारोह में शो में उनके काम के लिए एंटरटेनमेंट लीडर अवार्ड टेलीविजन से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2019 और 2020 और 2021 में बिग बॉस के तीसरे और चौथे और पाँचवें सीजन की मेजबानी भी किया है। स्वामित्व के बारे में हम बात करें तो अनुमोद और कमाई संपादित करे। 2013 से वह जो है सुनील गावस्कर और यानी कि माही रेसिंग टीम इंडिया के साथ जो है कि एमएस धोनी के साथ इंडियन बैडमिंटन लीग के यानी कि मुंबई और साथ ही मास्टर के सह मालिक थे। नागा अर्जुना वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कल्याण यानी कि ज्वेलर्स का समर्थन करते हैं। उन्हें वर्ष 2012 और 2013 के लिए फॉरवर्ड्स इंडिया के शीर्ष 100 हस्तियों में क्रमोस 36 नंबर पर इनको रखा गया था और बाद में 43 पे इनको रखा गया था और 43 नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था। वह इंडियन सुपर लीग यानी कि क्लब केरला और साथ ही ब्लास्टर्स FC के सह मालिक भी है। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम हेलो फिल्म को एक्सप्लेन करें इसका हिंदी में। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप हिंदी भाषा में तकदीर नाम से इस फिल्म को YouTube पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी ये मूवी हिंदी टॉप में रिलीज नहीं हुआ है। इस फिल्म के अभिनेता के बारे में बात करें तो अखिल एकिनेनी जो कि नागा अर्जुना के बेटे हैं, कल्याणी प्रिया दर्शन एन जगपति बाबू एन राम्या कृष्णा इस फिल्म में अभिनय किया है। दोस्तों आपको बता दें राम्या कृष्णा के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे और ये भी बताएंगे इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय की है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बन रहिएगा। राम्या कृष्णा के बारे में इस वीडियो में हम काफ़ी अननोन फैक्ट को बताएंगे और बताएंगे इन्होंने कितने फिल्मों में अभिनय की हैं। अगर आप इनकी मूवीज को देखना चाहते हैं राम्या कृष्णा की तो आप जो है बाहुबली फिल्म को देख सकते हैं जिसमें इन्होंने प्रभास की मां के किरदार में नजर आई हैं, तो आप लोग जो है इनको पहचान जाओगे और इनके बारे में जानना पसंद करोगे। अगर आप लोग हेलो फिल्म के फैन हैं और हेलो फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं राम्या कृष्णा मैम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनकी जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 15 सितंबर 1970 में हुआ था और इनकी एज 51 साल की ये हो चुकी है और 51 साल की उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। 2009 की ड्रामा फिल्म यानी कि कोकेम और इष्टम यानी कि कोचम जो है कस्तम के लिए तेलुगु बाहुबली श्रृंखला मूवी में 2015 से लेकर 2017 में राम्या के साथ ही शिवगामी देवी की चित्रण को यानी कि सर्वभौमिक प्रशंसा मिली थी। बाहुबली द बिगनिंग फिल्म 2015 और इसकी यानी कि अगली कड़ी बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 दोनों ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है। फ्रेंच चाइनीज में उनके प्रदर्शन ने उन्हें कई प्रशंसाएं दिलाई है जिनमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 2 फिल्मफेयर पुरस्कार तेलुगु में 2016 में और 2018 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 1 राज्य नंदी पुरस्कार इन्होंने जीता। कृष्णा का जन्म मद्रास वर्तमान चेन्नई में हुआ था। वह तमिल फिल्म अभिनेता हास्य अभिनेता और पूर्व यानी कि संसद जो सदस्य साथ ही राज्यसभा जो और साथ ही रामास्वामी की भतीजी है। उन्होंने यानी कि भरतनाट्यम में भी अभिनय किया है। मुख्य लेख के बारे में बात करें तो 13 साल की उम्र में उन्होंने मलयालम फिल्म जो है निरम पुला रुम्बो में सबसे पहले अभिनय किया था। अपनी अभिनय करियर की शुरुआत की हालांकि यह फिल्म उनकी थी जिसमें जो है उन्होंने अभिनय किया था, लेकिन 1986 में इसकी रिलीज में देरी हुई और इसी प्रकार उनकी पहली रिलीज फिल्म 1985 में वल्लई मंसूर फिल्म थी जो YG महेंद्र के साथ एक तमिल फिल्म थी। और कृष्णा की पहली तेलुगु फिल्म जो है भाली और साथ ही मित्रुल्लु मूवी 1986 वाला था फिल्म। और फिर उन्होंने तमिल फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई थी जिनमें से यानी कि रजनीकांत और अभिनीत जो है कि पद्दी कादवान 1985 और कमल हासन की मूवी जो है अभिनीत जो है पेर सुल्ला मूवी पिल्लई था जो 1987 में रिलीज हुआ था। तेलुगु फिल्मों में हम बात करें तो
तेलुगु फिल्मों के बात कर तो उन्होंने मदन फिल्म और साथी गोपाल लुड्डू फिल्म 1987 में, भामा और साथी कलापन फिल्म 1988 में इन्होंने अभिनय किया था। 1988 में राजेंद्र प्रसाद के साथ अभिनय किया कृष्णा ने, मोहन लाल के साथ जो है यानी कि और का पुरुथु और साथी आर्यन और साथी अनुरागी जैसी मलयालम फिल्मों में काम किया था। कृष्णा को कन्नौट फिल्मों में भी सफलता मिली है और साथी विष्णु वर्धन के साथ जो है कृष्णा और रुक्मणी में उनकी जो है शुरुआत फिल्म जो है भूमिकाओं में से एक थी और उनका हिंदी डेब्यू जो फिल्म और साथी दयावानो मूवी में था जिसमें जो है अनुभवी अभिनेता विनोद खन्ना ने सह अभिनय किया था। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हेलो फिल्म को जिसका हिंदी में शीर्षक रखा गया है तकदीर। अगर आप लोग इस फिल्म को हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप तकदीर नाम से हिंदी डब में देख सकते हैं। फ्रेंड आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई होप कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली बार राम्या कृष्णा तमिल और तेलुगु दोनों ही फिल्म में यानी कि असफलताएं इनको मिली थी और एक श्रृंखला के बाद उन्होंने 1989 में रिलीज हुई मूवी के बिस्वा यानी कि बिस्वानाथ मूवी की और साथ ही सूत्र धारुलू के माध्यम से प्रसिद्ध मूवी हासिल की थी। इसी फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में यानी कि चित्रित किया गया था जहाँ वह कई अन्य यानी कि प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों के साथ यानी कि तेलुगू तेलुगु और फिल्म की उद्योग में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उभरी थी। उनकी सफलता के बारे में हम बात करते हैं राघवेंद्र रवि निर्देशित यानी कि रवि निर्देशित फिल्मों से मिली थी जहां उन्होंने अल्लूदू गुरु फिल्म 1990 में अभिनय किया, अल्लारी रोगुड्डू फिल्म 1992 में रिलीज हुआ और साथ ही चंद्रकांता 1993 के साथ जो है मोहन बाबू और अल्लारी प्रियोड्डू फिल्म 1993 में रिलीज हुआ था। जैसी सफल फिल्मों के कारण जो है एक व्यवसायी रोमांटिक यानी कि दीवा के रूप में उभरी थी और राजशेखर के साथ उन्होंने श्री यानी कि अन्ना मचार्य मूवी की एक जो है संपत्ति पत्नी की भूमिका निभाई। इसे नागा अर्जुना ने साथ ही अन्ना मया मूवी 1997 के फिल्म में अभिनय किया था और 1998 में उन्होंने काटे कोथन कानू मूवी में अभिनय किया था। दोस्तों ये साउथ की तेलुगु नाम है जिसे लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इनके नाम को बतलाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा है। प्रमुख भूमिका निभाई थी इस फिल्म में और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार दिया गया था। उनकी सबसे बड़ी कन्नौट हिट फिल्मों के बारे में हम बात कर तो रविचंद्रन मूवी के साथ जो है इनकी गतिविधि गांडा फिल्म था जिसे 1993 में रिलीज किया गया था और साथ ही मंगलम फिल्म जो है यानी कि ततू नाने मूवी थी जो 1998 में शामिल था। कृष्णा ने यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी यानी कि परंपरा मूवी से हिंदी में अपनी शुरुआत की। फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन और गोविंदा के साथ जो सुभाष गाई की खलनायक फिल्म 1993 में अभिनय किया। महेश भट्ट की चाहत फिल्म में 1996 में इन्होंने अभिनय किया था। डेविड धवन की बनारसी बाबू फिल्म में गोविंदा के साथ 1997 में अभिनय किया और बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म 1998 सहित जो कुछ हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने अभिनय किया है। तमिल सिनेमा के बारे में हम बात करते हैं, तमिल सिनेमा में इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में अभिनय किया है। तमिल सिनेमा से 4 साल के ब्रेक के बाद 1999 में कृष्णा ने तमिल फिल्म यानी कि पद्यप्पा में रजनीकांत के साथ महिला विरोधी भूमिका निभाई जो कि रेडेफ के आलोचकों ने कहा कि राम्या एक शानदार काम करती है। वह अपनी यानी कि मरती हुई सांसों के लिए शातिर है और जब वह यानी कि घोषणा करती है कि वह अपने अगले जीवन में खुद का बदला लेगी जब उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं तो वह गुस्से का एक शानदार यानी कि तांडव करती है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तमिल में मिला था और तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार विशेष पुरस्कार सहित वे कई पुरस्कार प्राप्त किए थे। इसके बाद उन्होंने पट्टाली बजट यानी कि पद्मा नाफो मूवी और साथ ही यानी कि पंचतंत्रम मूवी में अभिनय किया जैसी व्यावसायिक रूप से सफल रहा था। इन सारी फिल्मों में अभिनय किया था और स्क्रीन के समीक्षक ने साथ ही इनकी पंचतंत्रम मूवी में उनके प्रदर्शन को अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक कहा है। और अपने करियर में कृष्णा ने यानी कि उमुरु फिल्म 1995 की और साथ ही राजकाली आमन फिल्म 2000 के दशक में और नागेश्वरी मूवी 2001 में रिलीज हुआ था।
श्री राजा राजेश्वरी फिल्म 2001 में आया था और अन्ना ये मूवी जो इनकी कली बंगल फिल्म 2003 सहित जो है कई सारे फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं साउथ की मैच्योर फिल्म हेलो मूवी को। अगर आप लोग हेलो फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को हिंदी डब में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप लोग इस फिल्म को हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो तकदीर नाम से इस फिल्म को हिंदी डब में देख सकते हैं। इस फिल्म को तकदीर शीर्षक दिया गया हिंदी डब में। अगली बार रामे कृष्णा सन टीवी पर थंदा वेटी नामक एक यानी कि गेम शो की मेजबानी करने और विजय टीवी पर एक डांस शो यानी कि जोड़ी नंबर वन को जज करने से पहले उन्होंने टीवी धारावाहिकों में अभिनय की और रुक किया था। और साथ ही कृष्णा पहली बार जो है टेलीविजन धारावाहिकों में कदम रखी थी और वह जो है इनकी कलासम में दो भूमिकाओं में नजर आई थी। उन्होंने एक जो है इनकी नीलांबरी और उसने जो है रजनीकांत अभिनीत जो है इनकी पद्यप्पा फिल्म में अभिनय किया था। और साधारण जो है इनकी मध्य वर्ग मूवी की महिला जो कि बिजनेसमैन टाइकून यानी कि सुधा चंद्रन के साथ जो है प्रतिस्पर्धा करती है और साथ ही पुरुष यानी कि वर्चस्वदा से लड़ती है जिसे 2009 में वह सुरेश कृष्णा की साथी अरुमुगम मूवी और रामा नारायण की कुट्टी फिल्म में साथी पिशासु में दिखाई दी और बिग बॉस यानी कि जोड़ी गर्ल में एक जो है न्यायाधीश के रूप में भी दिखाई दी थी। और कमल हसन के साथ जो है इनके अस्थायी रूप से शो छोड़ने के बाद जब वो यानी कि कोविड-19 संस्करण के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया किया था वह भी बिग बॉस तमिल सीजन 15 की होस्ट थी। भूमिकाओं के बारे में हम बात कर तो उन्होंने थंगम मूवी और साथ ही वसम और राजकुमारी में अभिनय करने के लिए सन टीवी बैनर के तहत जो अपना प्रवास जारी रखा। वह अपने बेटे साथी ऋतिक यानी कि ऋतिक बिग के नाम पर एक जो है फर्म की भी मालिक है। बाद में कृष्णा ने तेलुगु में रंगादर डोंगा 2010 में और साथ ही यमुद्दिक्की मुगुडू फिल्म 2012 में और कन्नड़ भाषा में यानी कि सावित्री नन्ना जोड़ी बनाया है 2013 और साथ ही मनीष फिल्म 2014 के रूप में सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया। कृष्णा ने श्री यानी कि वासवी और साथ ही कन्या का जो है परमेश्वरी चरित्र के साथ 2014 में देवी की पार्वती के रूप में इन्होंने अभिनय किया है। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हेलो फिल्म को जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। अगर आप लोग इस फिल्म को हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हेलो फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग हेलो फिल्म को हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम हेलो मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहा हूं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर दो 30 करोड़ से अधिक की कमाई इस फिल्म ने 2017 में किया था। अब 2015 में राम्या कृष्णा ने एसएस राजा मौली की फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग और इसकी यानी कि सीक्वल बाहुबली द कंक्लूजन में अभिनय किया जहाँ उन्होंने राजमाता शिवगामी देवी की भूमिका निभाई है। फिल्म के अंदर उनके प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली और फिल्में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में बन गई है। संगीत देवी डंडू के बारे में हम बात करें तो राम्या के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई और कहा गया है कि राम्या कृष्णा ने एक बार जो फिर अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने दोनों फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तेलुगु का फिल्मफेयर पुरस्कार इनको मिला। बाहुबली की सफलता के बाद उन्होंने मोहन बाबू के साथ जो है मामा मंचू अल्लूडू कांचू फिल्म 2015 में और नागा अर्जुना सर के साथ जो है यानी कि साथ ही सोगट चिन्नी नैना फिल्म 2016 में फिर से यानी कि काम किया था। 2019 में उन्होंने साथ ही त्यागराजन साथ ही कुमार राजाधारा निर्देशित किया गया सुपर यानी कि डिलक्स फिल्म में एक पूर्ण अभिनेत्री की भूमिका निभाई। द हिंदू से साथ ही यानी कि श्री वर्षन और एस ने उनकी जो है भूमिका को अभी तक की सबसे यानी कि साहसिक भूमिका बताया है। उन्होंने 2019 में क्वीन के साथ जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपनी शुरुआत की। इंडिया टुडे के आलोचक ने कहा है कि सफल यानी कि अभिनेत्री और एक नवोदित राजनेता शक्ति के जीवन के बाद का हिस्सा के रूप में राम्या कृष्णा ने एक यानी कि मापा प्रदर्शन किया है और यहां तक कि श्रृंखला में
सबसे यानी कि अलग है, जो कि प्रोडक्शन पर बहुत अधिक यानी कि निर्भर करती हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में हम हेलो फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं, जिसका हिंदी में शीर्षक तकदीर रखा गया है। इस फिल्म को 2017 में रिलीज किया गया था और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में हम इस मूवी की फुल हिंदी में एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस YouTube चैनल पे आप पहली दफ़ा हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म के मेन अभिनेता अखिल एकिनेनी के बारे में, जिन्होंने हेलो फिल्म में अभिनय किया है, जिसका हिंदी में शीर्षक जो है तकदीर रखा गया है। इनके बारे में जानते हैं, इन्होंने अब तक कितनी फिल्मों में अभिनय किए हैं और इनको अब तक कितने अवार्ड मिले हैं। अखिल एकिनेनी का जन्म 8 अप्रैल 1994 को हुआ था, सैन जोस की कैलिफोर्निया USA में हुआ था इनका जन्म। अभिनेता नागा अर्जुना और अमला के लिए वह अपने पिता की ओर से तेलुगु वंश का है और उनकी माता के ओर से वह जो है यानी कि आयरिश और बंगाली वंश के हैं। वह अभिनेता एकिनेनी नागेश्वरा राव के पोते हैं और नागा चैतन्य के सौतेले भाई हैं। एकिनेनी ने चैतन्य और साथी विद्यालय में अध्ययन किया था, बाद में 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया और हैदराबाद की यानी कि साथी ओकरीज इंटरनेशनल स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लौट आए थे। उन्होंने 16 साल की उम्र में अभिनय करियर को फिर से जो है शुरू किया और अपनाया, और न्यूयॉर्क शहर में साथी स्टार बल्क और साथी थिएटर एंड फिल्म जो है इनकी इंस्टीट्यूट में अपना यानी कि अभिनय पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था। वह दक्षिण साथी फ्लोरिडा और विश्वविद्यालय से BBS यानी स्नातक किया हुआ है। बाद में अपनी जो है इनकी किशोरावस्था में उन्होंने क्रिकेट को अपनाया और 2010 की सेलिब्रिटी यानी कि टेलीवुड ट्रॉफी में अपने पिता के नाग और साथी किंगर्स टीम के सदस्य यानी कि बन गए थे, जो कि मूवी आर्टिस्ट और साथी एसोसिएशन के लिए एक फंड राइज था, जो कि वेंकटेश के उवंगी और साथी वॉरियर्स के खिलाफ जो है इनकी फाइनल में उनके मैच और विजेता यानी कि अर्ध शतक ने उन्हें जो है मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज जो है पुरस्कार सुरक्षित करते हुए देखा गया था। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 2011 में उद्घाटन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग साथी CCL में जो है तेलुगु योद्धाओं के लिए लिखने के लिए यानी खेलने के लिए बुलाया गया था। तब से उन्होंने यानी कि नियमित रूप से CCL और साथी टूर्नामेंट में भाग लिया। 2016 में संस्करण को अपनी जो है टीम के कप्तान के रूप में इनको दिया गया था, और एक शिशु के रूप में साथी एकिनेनी ने अपने पिता के निर्माण शिव जो है नागेश्वर राव की कॉमेडी फिल्म जो है कि सिंधीदरी 1995 की मूवी और साथी बेबीज फिल्म डे यानी कि आउट 1994 का एक भारतीय रूपांतरण में शुरुआत इन्होंने किया था। 2014 में एकिनेनी विक्रम कुमार के हिट यानी कि पारिवारिक जो है नाटक जो है मनन फिल्म 2014 में एक जो है कैमियो में दिखाई दिए। इसमें जो है एकिनेनी परिवार के अभिनेताओं की 3 जो है पीढ़ियों को दिखाया गया था और उनका संक्षिप्त जो है कैमियो दर्शक के बीच जो है एक यानी कि त्वरित हिट था, और उन्होंने अपने दादा पिता और साथी सौतेले भाई के साथ जो फिल्म के लिए अपनी शूटिंग को साथी जो है कि नर्वस और साथी रोमांचक बताया था। उनका मनम जो है 2014 की सबसे अधिक यानी कि लाभदायक तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी, और आलोचकों ने फिल्म को साथी क्लासिक के रूप में करार दिया, जिसमें कई पुरस्कार जीते थे और जिसमें जो है फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और साथी शामिल थी। और बाद में उन्होंने कई जो है विज्ञापनों में विशेष रूप से कार्बन माउंटेन W और साथ ही टाइटन के लिए प्रदर्शन किया था। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में हम हेलो फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसका हिंदी में शीर्षक के बारे में हम बात करते हैं। इस फिल्म को हिंदी में तकदीर नाम से रिलीज किया गया है। आपको बता दें, इस वीडियो में हम इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अखिल एकिनेनी सर के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। अगर आप इनके फैन हैं, इनके मूवीज़ को आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पर आप पहली दफ़ा हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस फिल्म को हेलो मूवी को, जिसे 2017 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को कुछ ऐसे रिस्पॉन्स मिले थे।
बीबी विनायक की अखिल फिल्म जो है 2015 में एकी नैनी की पहली फिल्म मुख्य भूमिका में थी। भूमिका की तैयारी के लिए अभिनेता ने अपने निजी साथी प्रशिक्षक जो है किच्चा के साथ एक जो है स्टंट और साथ ही वर्कशॉप में दाखिला लिया था। 2 महीने तक जो है इनकी थाईलैंड में वर्कशॉप में भाग लिया था। अभिनेता नितिन धारा जो है निर्मित इस फिल्म का निर्माण दिसंबर 2014 में शुरू हुआ और इसमें उन्हें साथी नवोदित अभिनेत्री आयशा सहगल के साथ जो है दिखाया गया था। फिल्म खराब समीक्षकों के लिए रिलीज हुई और उम्मीदों के बावजूद जो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अपदा थी। इसके बाद वह 2 साल के अंतराल पर जो है चले गए थे। 2017 में उनकी दूसरी फिल्म जो है हेलो का निर्देशन जो है विक्रम कुमार सर ने मिडिल क्लास अब्बाई के साथ जो है किया था और अच्छी समीक्षा मिलने के बावजूद जो है बॉक्स ऑफिस पे कम कमाई करने वाली साबित हुई थी मूवी। और एकी नैनी की तीसरी परियोजना मिस्टर मजनू मूवी का निर्देशन जो है वंकी साथी अतलूरी ने किया था और 2019 में मिधि अग्रवाल ने सह कलाकार थे। अक्टूबर 2021 में उनकी चौथी फिल्म जो है पूजा हेगड़े अभिनीत जो है यानी कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर मूवी सह नामक एक यानी कि रोमांटिक कॉमेडी मूवी रिलीज हुई। इसे गीता आर्टर्स और साथ ही बनी वास और वासु वर्मा द्वारा निर्मित किया गया था और भास्कर द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म हिट रही और अखिल को लंबे समय से प्रतीक्षित यानी कि बॉक्स ऑफिस पे इनको जो है इस मूवी से सफलता मिली। 2016 में एकी नैनी की सगाई जो है बिजनेस टाइकून जीबी कृष्णा रेड्डी की पोती जो है श्रेया भोपाल से हुई थी, जिसे 2017 में उनकी शादी की योजना बनाई गई थी लेकिन बाद में सगाई को बंद कर दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम हेलो फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका हिंदी के बारे में हम बात करते हैं। इस फिल्म को हिंदी में तकदीर नाम से इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। अगर आप लोग इस फिल्म को YouTube पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बात करते हो विक्रम कुमार सर फिल्म को डायरेक्ट किए थे और फिल्म की कहानी विक्रम कुमार सर ने ही लिखे थे। फिल्म के प्रोड्यूसर एकी नैनी नागा अर्जुना जो कि अखिल एकी नैनी के पिता है। 22 दिसंबर 2017 को फिल्म को इंडिया के अंदर रिलीज किया गया था और फिल्म की रनिंग टाइम के बारे में बात करते 122 मिनट का ये मूवी था। फ्रेंड आइए अब हम बात करते हैं जगपति बाबू सर के बारे में। इन्होंने तेलुगु फिल्म में कई सारे मूवीज में लीड रोल में नजर आए हैं। जगपति बाबू ने तेलुगु फिल्म में अपनी शुरुआत जो फिल्म सिम्हा मूवी से किया था 1989 से की थी जो कि उनके पिता द्वारा निर्मित की गई और साथ ही बीज की मधुसूदन राव द्वारा निर्देशित की गई मूवी थी। उस वर्ष उन्होंने साथ ही एडवी लोग अभिमन्युटू मूवी में अभिनय किया था। उनकी पहली जो है व्यावसायिक सफलता मूवी 1992 में रिलीज हुई थी, साथ ही पेड्डा रिकम मूवी के साथ रिलीज हुआ था। उन्हें 1993 में राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित की गई जो है गायम मूवी के रूप में सफलता मिली थी। 1994 में सुपरहिट फिल्म जो है इनकी शुभ लगन के साथ वह जो है इनकी पारिवारिक दर्शकों तक जो है पहुंचे और अपनी स्टार स्थिति अपनी स्टार स्थिति भी स्थापित इन्होंने किया था। उन्होंने एस बी कृष्णा रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई फिल्म जो है यानी कि मबी चिगुरु फिल्म में अपनी भूमिका के लिए 1996 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार इनको मिला था। 1997 में साथ ही शुभ कम लखनऊ और साथ ही पहले जो है यानी पिंडेरी जैसे जो है रनवे हिट फिल्में देखी गई थी। 1998 में उन्होंने फिल्म जो है यानी कि अंतःपुरम मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नंदी पुरस्कार जीता। 2000 के दशक में उन्होंने थ्रिलर फिल्म जो है कि मनोहरम मूवी में अपने प्रदर्शन के लिए नंदी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको दिया गया था। 2003 से लेकर 2005 में उन्होंने कबड्डी 8वें ओका और साथ ही सैन्य मूवी जो है कि पोद्दा बाबू और अनु कोंकुडा ओका के साथ जो है रोजू जैसी रनवे हिट फिल्मों की श्रृंखला में काम किए थे। और 2006 में वह जो है कि समानुडू और साथ ही पलैना फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। 2007 में दूसरी बार नंदी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार इनको मिला। 2011 में उन्हें जो है कि साथ ही TSR और साथ ही ललिता कला के साथ जो है प्रसिद्ध धारा सिनेमा में उनके योग्य दान के लिए कला भूषण का पुरस्कार इनको दिया गया था। उनकी पहली तमिल फिल्म जो है यानी कि मद्रासी मूवी थी और 2012 में वह तमिल फिल्म यानी कि थंदा वानम में प्रतिपक्षी के रूप में दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने जय बोलो और साथ ही यानी कि तेलंगाना फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी जिसने 5 नंदी पुरस्कार जीते। 2012 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म यानी कि बच्चन में एक यानी कि पुलिस वाले के रूप में अभिनय किया था। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम हेलो फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं। हिंदी में तकदीर शीर्षक दिया गया है। आपको बता दें इस वीडियो में हम हेलो फिल्म को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं और मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2014 के बाद से बाबू ने अपनी पसंद की भूमिकाओं में पूरी तरह से बदलाव किया, जिसे वह दूसरी पारी कहते हैं, और करियर जो है ग्राफ में इनका आया था, जिनमें से पहला नंदमूरी बालकृष्णा धारा स्टारर जो है लेजेंड फिल्म 2014 में है, जहां पहली बार एक विरोधी की भूमिका निभाई थी। एक क्रूर डॉन जितेंद्र के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी और उन्होंने कई जो है प्रशंसाएं भी जीती थी। और उसी वर्ष उन्होंने लिंगा फिल्म में रजनीकांत के साथ जो है एक नकारात्मक भूमिका में नजर आए थे, जिसे 2015 में उन्होंने सातिश्री मंथुटू मूवी में महेश बाबू के पिता की भूमिका निभाई। 2016 में बाबू ने जूनियर NTR अभिनीत जो है सुकुमार धारा निर्देशित की गई साथी नन्ना क्रू प्रेमतो फिल्म में लंदन के एक जहन की अरबपति की भूमिका निभाई थी। इसे भी यानी कि सराहा गया था। उन्होंने इसी यानी कि इसम और साथी जगू आर में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने मलयालम फिल्म जो है यानी कि पुलिमुरुगम में और साथी मोहन लाल के साथ भी अभिनय किया। 2017 में उन्होंने साथी राइंडोर और साथी वेडुका चुधान में जो है नागा चैतन्य सर के पिता की भूमिका इन्होंने निभाई थी। 2018 में रंगास्त्रम फिल्म में जो है इनकी सुकुमार धारा निर्देशित की गई बाबू ने इस फिल्म इसी नाम की एक गांव की एक जो है इनकी साथी जो है इनकी दमनकारी राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। फिल्म के अंदर फिल्म ने 2 बिलियन से भी अधिक की कमाई करने वाला रंगास्त्रम उस वर्ष का सबसे अधिक कमाई करने वाला तेलुगु फिल्म था। इसके साथ ही उन्होंने साथी गुंडाचारी फिल्म में एक जो है इनकी बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाया है, जो एक यानी कि स्लीपर हिट मूवी थी। उनकी भूमिका त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित की गई अरविंदा साथी समीथा बीरा राघव के साथ 2018 को उनके करियर के साथी बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक कहा जाता है। 2019 में उनकी यानी कि उल्लेखनीय और साथी रचनाएं महर्षि फिल्म के साथ साथ जो है यानी कि महर्षि मूवी के साथ साथ जो है साईराज नरसिम्हा रेड्डी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें हेलो फिल्म को, हेलो मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। अगर आप लोग हेलो फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पे आप पहली दफ़ा हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हेलो फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो इस फिल्म में अनाथ गली में रहने वाले सीनू का एक दोस्त है, इसका नाम जुन्नू है। वह उसके साथ बहुत करीबी संबंध बनाती है, लेकिन एक दिन जुन्नू का परिवार उसके पिता के साथ जो है यानी कि स्थानांतरित के कारण दिल्ली चला जाता है। जिस दिन वह चली जाती है जुन्नू अपना फ़ोन नंबर 100 रुपए के नोट पर लिख के सीनू को देती है, लेकिन एक चोर उस नोट को चुरा लेता है और 100 रुपए का नोट जो है पाने के लिए चोर का पीछा करते हुए सीनू को यानी कि सरोजनी नाम के और उसके पति जो है प्रकाश धारा चलाई जा रही कार से टक्कर मार दी जाती है। बाद में उन्होंने सीनू को अस्पताल में ले जाने के बाद गोद लिया, क्योंकि सरोजनी ने भगवान से वादा किया था कि अगर ये लड़का बच गया तो इसके लिए कुछ भी कर सकती है। 14 साल बाद सीनू जिसे अब यानी कि अविनाश नाम दिया गया है, उनके माता पिता ने उसके नाम को चेंज करके अविनाश नाम दे दिया है। अविनाश नाम के साथ जो है जुन्नू अब जो है प्रिया नाम जुन्नू का भी नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। फिल्म के अंदर जुन्नू का नाम प्रिया रख दिया गया है। दोनों ही समृद्ध जीवन शैली जी रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना खुश नहीं है। वह आखिरकार कैब ड्राइवर के साथ जो है गलत कॉल पर बचपन में बनाई गई एक जो है धुन सुनकर उसके ठिकाने का पता लगाती है, और कैब ड्राइवर का कहना है कि लोकेशन एक म्यूजिकल यानी कि फेस्ट का है, लेकिन एक गली का ठग यानी कि उसका फ़ोन भी चुरा लेता है, और इसीलिए वह जुन्नू के साथ जो है सुलह करने के लिए इसे वापस पाने के लिए निकल पड़ती है। एक फ्लैशबैक में सरोजनी और प्रकाश के साथ एक जो है खुशहाल परिवार के रूप में सीनू अविनाश की यात्रा का पता चला लेता है। जुन्नू प्रिया दिल्ली में रहते हैं और सीनू के बारे में सोचकर दुखी होता है, और उसे पता चलता है कि उसके पिता का स्थानांतरण जो है अब अमेरिका में होने वाला है। अमेरिका में उसका जो है तबादला किया जाना है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले वह हैदराबाद सीनू को खोजने और अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने के बारे में
में आती है और सोचती है और एयरपोर्ट पर अपनी माँ को लेने के दौरान अविनाश जो है प्रिया को देखता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। और बाद में प्रिया और अविनाश फिर जो है मिलते हैं और जब प्रिया गरीब गली के बच्चों को 100 रुपये बांटती है तो शादी में मिलते हैं दोनों। लेकिन प्रिया युवा सिनू की याद दिलाती है और वहाँ से भाग जाती है। अविनाश उसका पीछा करता है और उनके जो है इनकी गलती से उसकी चूड़ी को तोड़ देता है जिसे बचपन में उसने जो है अपने प्रेमिका को दिया था और सिनू ने उपहार में दिया था जिसे जो है बचपन में दोस्त थे और उसे बहुत यानी कि ये चूड़ी पसंद थी। और इससे नाराज होकर प्रिया ने अविनाश को एक थप्पड़ मार दिया और उसके बाद जो है इन दोनों का मिलन होता है। दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी में यही कहानी को बताया गया है। आपको बता दें इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। वर्तमान में वापस अविनाश फ़ोन करता है, माफ़ी मांगता है और अपना फ़ोन वापस ले लेता है। उसे पता चलता है कि जुन्नू हैदराबाद संगीत समारोह में है। त्यौहार पर वह प्रिया से मिलता है जो कि अभी भी अपने दोस्त के संगीत शादी में हुई लड़ाई से परेशान है। वह एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और अविनाश उसे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसका निर्माण यश चोपड़ा और उनकी पत्नी पमेला चोपड़ा ने किया है। इसमें जैकी श्रॉफ, जूही चावला और अमृता सिंह के साथ दीपक तिजोरी सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म भारत में एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और 1990 के दशक में एक प्रमुख महिला के रूप में चावला के करियर को मजबूत किया था। इसके अलावा बता दोस्तों फिल्म जो है नकारात्मक भूमिकाओं में सिंह के प्रदर्शन की अत्यधिक सराहना की गई थी और इसे उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक मानी जाती है। दोस्तों बात कर ले इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के बारे में तो अया नकी इडारो के रूप में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कन्नौट में येरेनी अभी मानी के रूप में फिल्म को रिलीज किया गया था जो 2000 के रूप में रीमेक किए गए थे मूवी को। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें ये एक धनी व्यवसायी राजनीश माथुर की दो बेटियां है जहाँ पे रोमा बड़ी बेटी है और प्रति सफारदी है और हमेशा खराब रहती है। सुंदर और शर्मिली रीमा काफी संयमित है और आमतौर पर रोमा को मुर्खियों में आने देती है और दोनों बड़े होकर पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। और आपको रवि सक्सेना के प्यार में दोनों पड़ जाते हैं। हमेशा ध्यान का केंद्र रोमा सबसे पहले उसकी नजर में आती है जहाँ पे रीमा का दिल टूट गया है। और इसके अलावा आपको बता दें लेकिन वह एक बहादुर चेहरा वाली लड़की है। इसके अलावा आपको बता दें रवि और रोमा की शादी तय हो गई है। दुर्भाग्य से रोमा एक फिल्म में अभिनय करने के लिए महत्वाकांक्षी है और उसे शादी के दिन एक प्रस्ताव मिलता है। वह रवि को उनकी शादी से पहले स्वीकार करती है और उसे छोड़ देती है लेकिन क्रोधित होकर वह माथुर के सम्मान को बचाने के लिए रीमा से शादी कर लेता है। सबसे पहले वह काफी असहज है लेकिन रवि को अंत तक रीमा से प्यार हो जाता है। रोमा गुस्से में घर लौटती है और उसे बताती है कि वह कभी खुश नहीं होगी क्योंकि उसे धोखा दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें रवि को वापस पाने के लिए कृंति संकल्प करती है और बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन रोमा रीमा के जीवन को बर्बाद करने सहित कुछ भी करने को तैयार है। वह बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करती है दोनों के बीच में, जैसे कि आत्महत्या का नाटक करना आदि। अंत में रीमा हार मान लेती है और अपना घर छोड़ देती है। रवि गुस्से में रीमा को समझाता है और उसके और रीमा में क्या अंतर है इसके बारे में बतलाता है। रोमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रवि और रीमा को फिर से मिला देती है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी को समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आईना फिल्म को और मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें फ्रेंड्स आईना फिल्म को दीपक सरीन सर ने डायरेक्ट किया था जो कि फिल्म की कहानी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी। फिल्म की कहानी होनी ईरानी सर ने लिखे थे और फिल्म के प्रोड्यूसर यश चोपड़ा एंड पमेला चोपड़ा ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए थे। मुकेश स्टार का जैकी श्रॉफ, जूही चावला, अमृता सिंह फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे और दोनों बहनों के रूप में इस फिल्म में अभिनय की थी। अमृता सिंह राहुल रोमा माथुर के रूप में फिल्म में अभिनय की थी, जूही चावला रीमा माथुर के रूप में फिल्म में अभिनय की थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको बता दें दोनों ही जैकी श्रॉफ से प्यार करते हैं लेकिन रोमा माथुर से शादी नहीं कर पाता है। जैकी श्रॉफ और रीमा माथुर से शादी हो जाती है। इसी बीच जो है रोमा माथुर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने प्यार का बदला लेना चाहती है और फिल्म की कहानी इसी तरह सीरियस हो जाता है। यह फ्रेंड्स आपने सही सुना,
साथ साथ फ्रेंड आपको बता दें, इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस के मुताबिक इस फिल्म ने 1993 में 138 मिलियन से अधिक की कमाई किया था और इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया है। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जैकी श्रॉफ के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है और इनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर आप जैकी श्रॉफ के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं जैकी श्रॉफ के बारे में। तो दोस्तों जैकी श्रॉफ ने 11वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनके परिवार के पास ज़्यादा पैसा नहीं थे। उन्होंने ताज होटल में एक प्रशिक्षक के रूप में काम करना स्टार्ट किया था। इंडिया में एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं। इस तरह के काम करने के बाद योग्यता की कमी के कारण उन्हें दोनों जगहों से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद आपको बता दें, उन्होंने जहांगीर आर्ट के साथ गैलरी के पास टेड विंस के साथ नामक एक स्थानीय कंपनी में ट्रेवल एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया। एक विज्ञापन एजेंसी के अकाउंटेंट के रूप में उनको रखा गया था, जहां पे बॉस स्टैंड पर देखा गया था और उन्हें पूछा कि क्या उन्हें मॉडलिंग में दिलचस्पी होगी। अगले दिन श्रॉफ दोपहर के भोजन के समय फोटोशूट करने के लिए पहुँच चुके थे। इसके अलावा आपको बता दें, कॉलेज के समान भवन में स्थित विज्ञापन के साथ एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञापन एजेंसी में गए थे, जहां पे शूट शॉट के लिए। इसी फोटो शूट ने श्रॉफ को उनके मॉडलिंग पर बहुत ज़्यादा यानी कि अधिक जो है ध्यान आकर्षित किए थे। जो साल 1982 में श्रॉफ ने देव आनंद की फिल्म स्वामी दादा में अभिनय की शुरुआत कर दी। साल 1983 में सुभाष घाई ने उन्हें मीनाक्षी सेसेदरी के साथ जोड़ी गई फिल्म हीरो के लिए मुख्य भूमिका में कास्ट किया। फिल्म सफल रही लेकिन उन्होंने सुभाष घाई की फिल्मों में काम करना जारी रखा। चाहे किसी भी भूमिका की पेशकश उनको क्यों ना की जाए, वो हमेशा तैयार रहते थे। हीरो फिल्म के बाद उन्होंने कई अन्य फिल्मों की, जैसे कि आपको बता दें अंदर बाहर, जानू और युद्ध सफल रहे थे। उसी के साथ 1986 में उन्होंने कर्मा फिल्म में अभिनय किया और ये फिल्म भी साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। बता दें फ्रेंड्स, कर्मा मूवी साल 1986 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उनकी अगली रिलीज मूवी होने वाली फिल्म कास्ट थी। बाद में दहलीज के बारे में हम बात कर ले तो सच्चे का बोलबाला जैसी फिल्मों को समीक्षकों द्वारा सराहा गया लेकिन बॉक्स ऑफिस पे असफल रही। लेकिन उन्होंने राम लखन फिल्म में फिर से अभिनय किया, त्रिदेव मूवी में और परिंदा जैसी फिल्मों के माध्यम से सफलता हासिल की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। 90 के दशक में वह सौदागर फिल्म के साथ काम करना चाहते थे। सौदागर, अंगार और सपने साजन के गर्डिस के साथ वे खलनायक के रूप में काम किया। जो साल 1942 में ए लव स्टोरी रंगीला और अग्निसाक्षी मूवी में इन्होंने काम किया। अग्निसाक्षी, बॉर्डर और शपथ फिल्म जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। शपथ फिल्म में इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ अभिनय किया था और सफल फिल्म सफल रही थी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें, साल 2006 में श्रॉफ ने बच्चों की फिल्म भूत अंकल में अभिनय किया। 2010 में हुआ फिल्म भूत एंड आपको बता दें फ्रेंड्स में दिखाई दिए थे। जो 2011 में उन्होंने गुरु भाई ठक्कर द्वारा निर्देशित की गई फिल्म श्रद्धा इन द नेम ऑफ गॉड में एक कैमियो भूमिका भी निभाई है। 2017 में श्रॉफ ने कोकीन में अपनी शुरुआत की फिल्म शोल करी में अभिनय किया था, जिसने उन्हें एक पुरस्कार भी दिलाया था। इसके बाद उन्हें 2019 में रिलीज होने वाली एक और कोकनी फिल्म में देखा गया था और इन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया है, जिसका शीर्षक कंतार रखे गए थे। अक्टूबर 2018 में उन्होंने एक लघु फिल्म में काम किया, जहां प्ले बॉय की किरदार फिल्म में निभाए थे। मिस्टर सहानी में अभिनय किया था और उन्हें पल्टन में भी देखा गया था। उन्हें 2019 में फिर जो है भरत साहो और रोमियो अकबर में देखा गया था। रोमियो अकबर, वाल्टर जैसी कई फिल्मों में काम करना इन्होंने जारी रखा है और वह प्रार्थना में भी अभिनय करने जा रहे हैं, जो अली फजल के साथ और संजय दत्त के साथ इसी नाम की तेलुगु फिल्म का हिंदी रिमेक होने जा रही है। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। इसी के साथ चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अमृता सिंह के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। अमृता सिंह ने 1983 में बेताब मूवी के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। वह एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसमें उन्हें सनी देओल के साथ जोड़ा गया था। के बाद दोस्तों आपको बता दें, अमृता को फिर से अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया था। मर्द फिल्म में इन्होंने काम किया 1985 में, जो सबसे बड़ी हिट मूवी थी, और साहेब फिल्म 1985 में ही रिलीज हुई थी। चमेली की शादी और नाम दोनों ही रिलीज हुए थे। साल 1986 में खुद गर्ज फिल्म रिलीज हुआ था और 1987 में काफी अच्छे फिल्म रिलीज हुए थे। अमृता सिंह ने केवल सनी देओल, संजय दत्त और राज बब्बर के साथ बल्कि जितेंद्र, विनोद खन्ना और अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ 1980 के दशक के कुछ प्रमुख अभिनेताओं के साथ कई फिल्मों में एक सफल जोड़ी बनाई। प्रमुख भूमिकाएं निभाने के साथ साथ उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म 1992 में अभिनय किया, सूर्यवंशी फिल्म 1992 में और आईना फिल्म 1993 में इन्होंने अभिनय किया।
इन जैसे फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाई थी। बाद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। साहिब और चमेली की शादी जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने पारिवारिक जीवन में, आपको बता दें, संन्यास लेने का फैसला किया और रंग फिल्म 1993 में अपनी उपस्थिति के बाद अभिनय करना छोड़ दिया। इसके अलावा साल 2002 में 23 मार्च 1931 को शहीद के साथ अभिनय में वापसी की थी, जिसमें उन्होंने भगत सिंह, बॉबी देओल द्वारा अभिनीत की माँ की भूमिका निभाई। और 2005 में स्टार प्लस पर प्रसारित की गई एकता कपूर के पारिवारिक नाटक जो है काव्यांजलि के साथ टेलीविजन उद्योग में शामिल हुई, जो शो में सिंह को एक नकारात्मक भूमिका में देखा गया था। इसने जल्द ही अपार और लोकप्रियता हासिल कर ली। उस वर्ष बाद में उन्होंने फिल्म जो है कलयुग के लिए एक और नकारात्मक भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की, जो 2007 में सिंह ने अपूर्वा और लाखिया धारा निर्देशित की गई। संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट के साथ हुए लोखंडवाला में गैंगस्टर माया डोलासी की मां रत्ना प्रभा में दिखाई दी थी, जहां पे डोलस की भूमिका निभाई इन्होंने विवेक ओबरॉय के साथ इन्होंने माया डोलस की भूमिका निभाई। बाद में वह एंथोलॉजी फिल्म जो है 10 कहानियां में दिखाई दी, जहां वह लघु कहानी और इसके अलावा पूर्णमासी में दिखाई दी थी। अपने अभिनय की यात्रा को जारी रखते हुए जरारे मूवी के साथ साथ 2010 में इनको फिर से देखा गया और यासराज फिल्म के बैनर के तहत औरंगजेब फिल्म 2012 में भी देखा गया, जहां उन्हें लगभग 2 दशकों के बाद जैकी श्रॉफ के साथ जोड़ा गया था। और आईना फिल्म में एक साथ जोड़ी बनाने के बाद 2014 में उन्हें धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित की गई दो स्टेट में सह अभिनेता अर्जुन कपूर की माँ की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। ये फिल्म 18 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई थी और ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मूवी थी और सिंह को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें साल 2014 को रिलीज हुई थी और ये मूवी एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मूवी थी। अमृता सिंह को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। 2016 में वह फ्लाइंग जाट में टाइगर श्रॉफ के साथ फ्लाइंग जेट फिल्म में टाइगर श्रॉफ की माँ की भूमिका में देखा गया था इनको और इन्होंने फ्लाइंग जेट मूवी में अभिनय की, जो 2017 में वह कॉमेडी ड्रामा हिंदी मीडियम फिल्म में एक स्कूल प्रिंसिपल के रूप में दिखाई दी, जो 2019 में वह जय घोष की बदला लेने वाले में दिखाई दी, जहाँ पे 18 साल में पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और बदला को अत्यधिक जो है सकारात्मक समीक्षा मिली और सिंह के प्रदर्शन को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई और सिंह के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया था। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। आईना मूवी इज अ 1993 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय दीपक, स्क्रीन एंड प्रोड्यूसर बाय द यश चोपड़ा एंड हिज वाइफ पमेला चोपड़ा। इट इज द जैकी श्रॉफ, जूही चावला एंड अमृता सिंह विद बी दीपक तिजोरी एंड सपोर्टिंग रोल द फिल्म इन द ब्लॉकबस्टर हिट द इंडिया एंड सॉलिड द जूही चावला करेक्टिंग द लीडिंग लेडी इन द 1990s द सिंग एंड परफॉर्मेंस द नेगेटिव रोल वॉज द हाईली एंड अप्रिशिएटेड एंड रिगार्ड वन ऑफ द करियर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द मूवी द आईना। फिल्म हिस्टोरी इज द राजनेश माथुर ऑफ एंड द वेल्थी एंड बिजनेसमैन हैज द टू डॉटर एंड रूमा द एल्डर वन ऑफ द वेरी एंड कॉम्पिटिटिव एंड द ऑलवेज बीन द एंड इज पोस लाइट द ब्यूटीफुल एंड द सी द रीमा इज द क्विट एंड रिसोर्स एंड द यूज लिप लेट द रूमा टेक द एंड इज पोटली द इनबर्ड ग्रो ऑफ द मूवी एंड एंटायरली द डिफरेंट एंड फेल इन लव विद द रवि सक्सेना ऑलवेज द इन कंट्रोल ऑफ द इन अटेंशन रूमा द एंड कैच हिट द एंड इजी द एंड फर्स्ट रीमा हिट द एंड हार्ट ब्रोकर बट द पोस्ट एंड द ब्रेव द फेसेस रवि एंड रोमा हिट द वेडिंग हिट द एंड फिक्सेड द अनफॉर्चुनेटली इन रोमा इज द एन एम्बिशन टू बी ए स्टार इन फिल्म द एंड गेस ऑन द ऑफर वन द मैरिज डे द एंड सी एक्सेप्ट एंड द लीव एंड रवि द एंड बिफोर थर्ड इन वेडिंग द फोर्सेज द एंड मैरिज रीमा टू सेव हिट द होनर ऑफ द माथुर एट द फर्स्ट डे एंड रीड द क्विट इन द अनकम्फर्टेबल बट द रवि इवेंचुअली फेल्स इन लव विद द रीमा इन रोमा द रिटर्न होम हिट द एंड रैग हिट द एंड टेल्स हिम द एंट्री द नेवर टू हैप्पी सी हिट द बीन द एंड बेटेरियम और डिटरमाइंड टू बी इन रवि बैक टू रोमा एंड विलिंग टू बी इन एनी थिंग द इन क्लाउडिंग द रनिंग द एंड रोमा हिट द लाइफ सी द एंड क्रिएटेड द एंड अ ट्रूबोकन लाइक द एंड पार्टिसिपेट द कॉमेडी द एंड सुसाइड ETC हिट द एंड रीमा द गिफ्ट एंड द लिवर्स हेयर द एंड हाउस द रवि
एंड द फ्यूरियसली द मेक्स रोमा द अंडरस्टैंड विद द इनडिफरेंट इज द बिटवीन हियर द रीमा एंड रोमा द रियलाइज हियर द इन मिस्टेक एंड द रनियर द रवि इन रोमा इन द मूवी। चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं आईना फिल्म की कहानी के बारे में। आईना फिल्म दीपक शरीन धारा ने निर्देशित की गई। आपको बता दें 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसका निर्माण यश चोपड़ा और उनकी पत्नी पमेला चोपड़ा ने किया है। इसमें आपको बता दें जैकी श्रॉफ, जूही चावला और अमृता सिंह के साथ दीपक तिजोरी सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म भारत में एक ब्लॉकबस्टर हिट मूवी थी जो 1990 के दशक में एक प्रमुख महिला के रूप में चावला के करियर को मजबूती किया गया था। यहाँ पे नकारात्मक भूमिका में सिंह के प्रदर्शन की अत्यधिक सराहना की गई थी और इसे उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का तेलुगु में आया नकी के नाम से रिलीज किया गया था उस वक्त। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात कर ले कन्नड़ भाषा के बारे में, तो इस फिल्म को येरेनी अभिमानी के रूप में रिलीज किया गया था 2000 के दशक में। इसके अलावा दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो एक धनी व्यवसायी रंजीश माथुर की दो बेटियां हैं। रोमा बड़ी बेटी है और इसके साथ जो प्रतिशवादी और हमेशा खराब रहती है। इसके विपरीत हम बात कर ले रीमा के बारे में तो काफी शर्मीली काफी सीमित है। आमतौर पर रोमा को सुर्खियों में आने के लिए दोनों बड़े होकर पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और रवि सक्सेना के प्यार में पड़ जाते हैं। हमेशा ध्यान का केंद्र रोमा सबसे पहले उसकी नजर में आती है। रीमा का दिल टूट गया है लेकिन वह एक बहादुर चेहरा रखती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें रवि और रोमा की शादी तय हो गई है। दुर्भाग्य से रोमा एक फिल्म में अभिनय करने के लिए महत्वाकांक्षी है और उसे शादी के दिन ही एक प्रस्ताव मिल जाता है। वह रवि को उनकी शादी से पहले स्वीकार करती है और उसे छोड़ देती है। क्रोधित होकर वह मातुर के सम्मान को बचाने के लिए रीमा से शादी कर लेता है। सबसे पहले वह काफी असहज है लेकिन रवि को अंत तक रीमा से ही प्यार हो जाता है। रोमा अभिनय की है विनय सक्सेना के रूप में, आप इनको इस फिल्म में देख सकते हैं। सईद जाफरी फिल्म में अभिनय के मिस्टर माथुर के रूप में, दीना पाठक फिल्म में अभिनय किए हैं, माया आलोक फिल्म में दिखाई दिए हैं, राजेश कट्टर फिल्म में दिखाई दिए, साथ ही साथ विकास आनंद इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इन सभी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को आप आसानी से देख सकते हो यूट्यूब पे अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो। दोस्तों आईना फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस को एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ मूवी से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे और ये मूवी आपको कहां पे देखने को मिलेगा इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्लीज दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें आईना फिल्म शरीना धारा ने निर्देशित की गई। साल 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसका निर्माण यश चोपड़ा और उनकी पत्नी पमेला चोपड़ा ने किया है। इसमें जैकी श्रॉफ, जूही चावला और अमृता सिंह के साथ दीपक तिजोरी सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म भारत में एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और 1990 के दशक में एक प्रमुख महिला के रूप में चावला के करियर को मजबूत किया था। इसके अलावा बता दोस्तों फिल्म जो है नकारात्मक भूमिकाओं में सिंह के प्रदर्शन की अत्यधिक सराहना की गई थी और इसे उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक मानी जाती है। दोस्तों बात कर ले इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के बारे में, तो आया नकी इडारो के रूप में इस फिल्म को रिलीज किया गया था कन्नड़ में। येरेनी अभिमानी के रूप में फिल्म को रिलीज किया गया था जो 2000 के रूप में रीमेक किए गए थे मूवी को। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें ये एक धनी व्यवसायी राजनीश माथुर की दो बेटियां हैं, जहां पे रोमा बड़ी बेटी है और प्रति सफारदी है और हमेशा खराब रहती है। सुंदर और शर्मीली रीमा काफी सीमित है और आमतौर पर रोमा को मुर्खियों में आने देती है और दोनों बड़े होकर पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। और आपको बता दें रवि सक्सेना के प्यार में दोनों पड़ जाते हैं। हमेशा ध्यान का केंद्र रोमा सबसे पहले उसकी नजर में आती है। यहाँ पे रीमा का दिल टूट गया है और इसके अलावा आपको बता दें लेकिन वह एक बहादुर चेहरा वाली लड़की है। इसके अलावा आपको बता दें रवि और रोमा की शादी तय हो गई है। दुर्भाग्य से रोमा एक फिल्म में अभिनय करने के लिए महत्वाकांक्षी है और उसे शादी के दिन एक प्रस्ताव मिलता है। वह रवि को उनकी शादी से पहले स्वीकार करती है और उसे छोड़ देती है लेकिन क्रोधित तो होकर वह माथुर के सम्मान को बचाने के लिए रीमा से शादी कर लेता है। सबसे पहले वह काफी असहज है लेकिन रवि को अंत तक रीमा से प्यार हो जाता है। रोमा गुस्से में घर लौटती है और उसे बताती है कि वह कभी खुश नहीं होगी क्योंकि उसे धोखा दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें रवि को वापस पाने के लिए कृंति संकलन करती है और बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन रोमा रीमा के जीवन को बर्बाद करने सहित कुछ भी करने को तैयार है। वह बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करती है दोनों के बीच में, जैसे कि आत्महत्या का नाटक करना आदि। अंत में रीमा हार मान लेती है और अपना घर छोड़ देती है। रवि गुस्से में रोमा को समझाता है और उसके और रीमा में क्या अंतर है इसके बारे में बतलाता है।
रोमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रवि और रीमा को फिर से मिला देती है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी को समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आईना फिल्म को और मूवी से जुड़े काफी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें फ्रेंड्स, आईना फिल्म को दीपक सरीन सर ने डायरेक्ट किया था, जो कि फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई थी। फिल्म की कहानी होनी ईरानी सर ने लिखे थे और फिल्म के प्रोड्यूसर यश चोपड़ा एंड पमेला चोपड़ा ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए थे। मुख्य स्टार का जैकी श्रॉफ, जूही चावला, अमृता सिंह फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे और दोनों बहनों के रूप में इस फिल्म में अभिनय की थी। अमृता सिंह राहुल रोमा माथुर के रूप में फिल्म में अभिनय की थी, जूही चावला रीमा माथुर के रूप में फिल्म में अभिनय की थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको बता दें, दोनों ही जैकी श्रॉफ से प्यार करते हैं लेकिन रोमा माथुर से शादी नहीं कर पाता है। जैकी श्रॉफ और रीमा माथुर से शादी हो जाती है। इसी बीच जो है रोमा माथुर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने प्यार का बदला लेना चाहती है और फिल्म की कहानी इसी तरह सीरियस हो जाता है। यह फ्रेंड्स आपने सही सुना। साथ साथ फ्रेंड आपको बता दें, इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस के मुताबिक इस फिल्म ने 1993 में 138 मिलियन से अधिक की कमाई किया था और इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया है। यह फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जैकी श्रॉफ के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है और इनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर आप जैकी श्रॉफ के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं जैकी श्रॉफ के बारे में। तो दोस्तों जैकी श्रॉफ ने 11वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनके परिवार के पास ज़्यादा पैसा नहीं थे। उन्होंने ताज होटल में एक प्रशिक्षक के रूप में सेफ के रूप में काम करना स्टार्ट किया था। इंडिया में एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं। इस तरह के काम करने के बाद योग्यता की कमी के कारण उन्हें दोनों जगहों से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद आपको बता दें, उन्होंने जहांगीर आर्ट के साथ गैलरी के पास ट्रेड विंस के साथ नामक एक स्थानीय कंपनी में ट्रेवल एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया। एक विज्ञापन एजेंसी के अकाउंटेंट के रूप में उनको रखा गया था, जहां पे बॉस स्टैंड पर देखा गया था और उन्हें पूछा कि क्या उन्हें मॉडलिंग में दिलचस्पी होगी। अगले दिन श्रॉफ दोपहर के भोजन के समय फोटोशूट करने के लिए पहुँच चुके थे। इसके अलावा आपको बता दें, कॉलेज के समान भवन में स्थित विज्ञापन के साथ एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञापन एजेंसी में गए थे, जहाँ पे शूट शॉट के लिए। इसी फोटो शूट ने श्रॉफ को उनके मॉडलिंग पर बहुत ज़्यादा यानी कि अधिक जो है ध्यान आकर्षित किए थे। जो साल 1982 में श्रॉफ ने देव आनंद की फिल्म स्वामी दादा में अभिनय की शुरुआत कर दी। साल 1983 में सुभाष घाई ने उन्हें मीनाक्षी सेसेदरी के साथ जोड़ी गई फिल्म हीरो के लिए मुख्य भूमिका में कास्ट किया। फिल्म सफल रही लेकिन उन्होंने सुभाष घाई की फिल्मों में काम करना जारी रखा। चाहे किसी भी भूमिका की पेशकश उनको क्यों ना की जाए, वो हमेशा तैयार रहते थे। हीरो फिल्म के बाद उन्होंने कई अन्य फिल्मों की, जैसे कि आपको बता दें अंदर बाहर, जानू और युद्ध सफल रहे थे। उसी के साथ 1986 में उन्होंने कर्मा फिल्म में अभिनय किया और ये फिल्म भी साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। बता दें फ्रेंड्स, कर्मा मूवी साल 1986 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उनकी अगली रिलीज मूवी होने वाली फिल्म काज थी। बाद में दहलीज के बारे में हम बात कर ले तो सच्चे का बोलबाला जैसी फिल्मों को समीक्षकों द्वारा सराहा गया लेकिन बॉक्स ऑफिस पे असफल रही। लेकिन उन्होंने राम लखन फिल्म में फिर से अभिनय किया, त्रिदेव मूवी में और परिंदा जैसी फिल्मों के माध्यम से सफलता हासिल की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। 90 के दशक में वह सौदागर फिल्म के साथ काम करना चाहते थे। सौदागर अंगार और सपने साजन के गर्डिस के साथ जो खलनायक के रूप में काम किया। जो साल 1942 में ए लव स्टोरी रंगीला और अग्नि साक्षी मूवी में इन्होंने काम किया था। अग्निसाक्षी बॉर्डर और शपथ फिल्म जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। शपथ फिल्म में इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ अभिनय किया था और सफल फिल्म सफल रही थी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें, साल 2006 में श्रॉफ ने बच्चों की फिल्म भूत अंकल में अभिनय किया। 2010 में हुआ फिल्म भूत एंड आपको बता दें फ्रेंड्स में दिखाई दिए थे। जो 2011 में उन्होंने गुरु भाई ठक्कर द्वारा निर्देशित की गई फिल्म श्रद्धा इन द नेम ऑफ गॉड में एक कैमियो भूमिका भी निभाई है। 2017 में श्रॉफ ने कोकीन में अपनी शुरुआत की। फिल्म शोल करी में अभिनय किया था, जिसने उन्हें एक पुरस्कार भी दिलाया था। इसके बाद उन्हें 2019 में रिलीज होने वाली एक और कोकनी फिल्म में देखा गया था और इन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया है, जिसका शीर्षक कंतार रखे गए थे। अक्टूबर 2018 में उन्होंने एक लघु फिल्म में काम किया, जहां प्ले बॉय की किरदार फिल्म में निभाए थे। मिस्टर सहानी में अभिनय किया था और उन्हें पल्टन में भी देखा गया था। उन्हें 2019 में फिर जो है भरत साहो और रोमियो अकबर में देखा गया था। रोमियो अकबर वाल्टर जैसी कई फिल्मों में काम करना इन्होंने जारी रखा है और वह प्रार्थना में भी अभिनय करने जा रहे हैं, जो अली फ
फजल के साथ और संजय दत्त के साथ इसी नाम की तेलुगु फिल्म का हिंदी रिमेक होने जा रही है। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। इसी के साथ चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अमृता सिंह के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। अमृता सिंह ने 1983 में बेताब मूवी के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। वह एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसमें उन्हें सनी देओल के साथ जोड़ा गया था। ये बात दोस्तों आपको बता दें, अमृता को फिर से अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया था। मर्द फिल्म में इन्होंने रेफरेंस आईना मूवी साल 1993 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी और इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। आप लोग को पता है इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईना फिल्म के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आईना फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। इस फिल्म को 18 जून 1993 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छी रिस्पांस मिली। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर ली जाए तो 138 मिलियन से अधिक की कमाई फिल्म ने किया था। और फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो जेके श्रॉफ, जूही चावला, अमृता सिंह फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। वहीं पर हम बात कर ले फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो दीपक श्रीवास्तव ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। और बात कर ले फिल्म के राइटर के बारे में तो हनी ईरानी ने इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। फिल्म के प्रोड्यूसर यश चोपड़ा, पमेला चोपड़ा ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए थे, जो 18 जून 1993 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। या दोस्तों आपने सही सुना। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, जैकी श्रॉफ फिल्म में रवि सक्सेना के रूप में नजर आए हैं। अमृता सिंह फिल्म में रेमा रोमा माथुर के रूप में अभिनय की है। जूही चावला फिल्म में रीमा माथुर के रूप में अभिनय करती हुई नजर आई है। दोस्तों फिल्म के अंदर दोनों बहन को एक इंसान से प्यार हो जाता है, रवि सक्सेना से, और दोनों रवि सक्सेना के प्यार में गिर जाती है। लेकिन जैकी श्रॉफ जूही चावला से शादी कर लेते हैं, जिससे अमृता सिंह बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। और इसी चीज को लेकर फिल्म की कहानी को बतलाई गई है। यहाँ फ्रेंड्स अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।